multiple choice questions and assertion and reasoning question based on computer networks. So let us start with the first question. Television cable network is an example of. Television cable network किसका example होता है? First option है LAN. LAN क्या है? Local area network. वो network जो local area तक confined होता है, मतलब एक small area में जो network आप create करते हो, like within a office or within a building. ओके अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? टेलीविजन केबल नेटवर्क की, जो कहाँ फैला होता है? थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके तो वैन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड नेटवर्क है. राइट तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैन. राइट क्योंकि टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या होता है? एक सिटी के अंदर फैला होता है. तो मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो क्या करता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है एक पर्टिकुलर सिटी में सारे ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए. लाइक जैसे यहाँ पे टेलीविजन केबल नेटवर्क है, वो क्या है? एक पूरे सिटी में फैला होता है. तो जो मैन ऐसा नेटवर्क होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लेंस को कनेक्ट करके बनता है. राइट तो टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है? मैन है, क्योंकि ये थ्रू आउट द सिटी फैला होता है. ओके थ्रू आउट द सिटी इसका एरिया होता है. फाइन ओके विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. अभी इसमें से आपको बताना कि कौन सा ब्राउजर नहीं है. ओके ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम पर. ओके राइट तो यहाँ पे क्रोम हमारा ब्राउजर है. फाइन ओके आपका फायरफॉक्स भी ब्राउजर है. ओके यहाँ पे अवर्स्ट है. अवर्स्ट क्या है? अवर्स्ट इज एंटीवायरस, तो ये ब्राउजर नहीं है. फाइन और ये क्या पूछ रहा है? कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड अवर्स्ट क्या है? एंटीवायरस है, ये ब्राउजर नहीं है. आपकी एच भी, ये भी आपका क्या है? ब्राउजर है. फाइन तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अवर्स्ट एंड अवर्स्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्राउजर. ओके ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन. समर्स इज द हार्डवेयर इंजीनियर ऑफ हैप्पी स्कूल. ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ इंस्टॉलिंग अ नेटवर्क इन द स्कूल लैब विच हैज अराउंड 40 कंप्यूटर्स. ओके यहाँ पे क्या है? समर्स क्या है? हार्डवेयर इंजीनियर है हैप्पी स्कूल में, और उसको क्या टास्क मिला है? उसको नेटवर्क स्टेब्लिश करने का टास्क मिला है. ठीक है और कितने कंप्यूटर्स है हमारे पास? 40 कंप्यूटर्स है. फाइन Now we have question. Suggest the most suitable type of network topology he should use in order to maximize the speed and make each computer independent of network breakdowns. तो यहाँ पे first question क्या पूछ रहा है कि आपको network topology बतानी है. Network topology बतानी है जिसके अंदर क्या हो, speed maximize हो जाए, data transfer की speed maximum हो जाए और computers एक दूसरे से independent हो, जिससे अगर network breakdown होता है तो सारे computers क्या हो उससे affect ना हो. फाइन तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपकी? बस टॉपोलॉजी है. बस टॉपोलॉजी में क्या होगा कि एक आपकी बैकबोन होगी जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. तो यहाँ पे ये क्या है? कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट नहीं है. राइट देन रिंग टॉपोलॉजी. रिंग टॉपोलॉजी में भी क्या है? दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. रिंग बनाते हैं. ओके सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. मैश टॉपोलॉजी. मैश टॉपोलॉजी में तो कंप्लीटली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पे हम कौन सी टॉपोलॉजी चूज करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे स्टार टॉपोलॉजी, जहां पे क्या होता है सेंट्रल हब या स्विच. आपके सेंट्रल हब या स्विच से क्या होते हैं? सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं. तो कोई भी एक सिस्टम या दो सिस्टम खराब होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन नहीं होता. फाइन ये आपका सेंट्रल हब आप इसमें यूज कर सकते हो या सेंट्रल आप स्विच यूज कर सकते हो. फाइन तो यहाँ पे आप कौन सी टॉपोलॉजी यूज करोगे? स्टार टॉपोलॉजी. फाइन ओके नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अलाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ओनली द इंटेंडेड कंप्यूटर्स विच नेटवर्क डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन द लैब टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स. अब वो क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? डेटा ट्रांसफर सर्वर से सिर्फ उसी कंप्यूटर को करना है जिसको सर्वर सेंड करना चाहता है डेटा. राइट तो आप कनेक्शन के लिए कौन से डिवाइस का यूज करोगे? फाइन यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम स्विच का यूज करेंगे, क्योंकि स्विच क्या करता है? स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस. ठीक है यूनिकास्ट डिवाइस होता है विच आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड एंड फॉरवर्ड डेटा टू डेट नोड ओनली. जो क्या करता है? डेस्टिनेशन नोड को, डेस्टिनेशन कंप्यूटर को, डेस्टिनेशन डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उस नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है. राइट तो यहाँ पे हम किस डिवाइस का यूज करेंगे? कनेक्शन के लिए स्विच का यूज करेंगे. ओके Now, after setting up the lab and the internet in the lab, Samarth is now required to
enable videos and animation to be played on the web browser for students of multimedia class. अब क्या है, लैब सेट हो चुकी है. अब क्या समझ क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके लैब में एनिमेशंस और वीडियोस प्ले हो वेब ब्राउजर पर. ओके, विच ब्राउजर टूल और सर्विस कैन बी यूज फॉर द सेम. अब समटाइम्स क्या होता है, हमें अपने ब्राउजर्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस और आप कह सकते हो एडोन्स को क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है. फाइन, जिससे क्या होता है उसकी जो फीचर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. राइट, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किस एक्स्ट्रा ब्राउजर टूल या सर्विस का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एडोन्स का यूज करेंगे. राइट, एडोन्स क्या होते हैं, एडोन्स आपको आप एक्सटेंशंस भी कह सकते हो. दीज आर स्मॉल एप्लीकेशंस, क्या होती है, छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं या प्रोग्राम्स होते हैं. ओके, डेट एड फीचर्स टू योर ब्राउजर एंड एनहेंस और मॉडिफाई द डिस्प्ले ऑफ द ब्राउजर. मीन्स क्या, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स है या एप्लीकेशन है जो ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आप वो डाल देती है. ओके, ये क्या होते हैं, रेगुलर एप्स की तरह होते हैं, लेकिन ये तभी चलते हैं जब ब्राउजर चलता है. ओके, ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते हैं, दे रन अलॉन्ग विद द ब्राउजर. ओके, नाउ ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम द स्टूडेंट नीड टू कनेक्ट to a classroom in Russia using Skype. Okay, यहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम से कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, जो कहाँ पे है, रशिया में. और कौन से सॉफ्टवेयर का यूज, कौन सी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं हम, Skype का. Samajh helps the student to connect. Which type of network service is being used? यहाँ पे कौन सी नेटवर्क सर्विस का यूज होगा, यहाँ पे जब आप Skype का यूज कर रहे हो तो Skype कौन सी सर्विस का यूज करता है, Skype करता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज. ओके, VOIP, राइट, क्या है ये, VOIP इज अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउज यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर फोन लाइन. तो ये वो सर्विस है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे जो स्काइप जो हमारी एप्लीकेशन है वो कौन सी सर्विस का यूज करती है, वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करती है. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट कैन ऑपरेट इन प्लेस ऑफ अ हब इज अ, वो डिवाइस जो आप हब की प्लेस पे यूज कर सकते हो. ओके, हब क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है, नेटवर्क में यूज होता है. फाइन, तो आप हब की प्लेस पे क्या यूज कर सकते हो, तो हम हब की प्लेस पे स्विच को यूज कर सकते हैं. फाइन, हब क्या, एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है. ओके, विच ट्रांसमिट डेटा टू ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, क्या करता है, जितने भी इसके जितने भी नोड्स हब से कनेक्ट होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर करता है. फाइन, ओके, लेकिन स्विच क्या है, स्विच हब से इंटेलिजेंट होता है, वो सिर्फ जहां पे मैसेज जाना है सिर्फ उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है. तो यहाँ पे हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड अ, बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बस और स्टार टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ट्री टोपोलॉजी क्रिएट होता है, जहां पे क्या होता है आप कहेंगे इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ स्टार्स एंड बस टोपोलॉजी टू क्रिएट अ ट्री. जो ट्री बनता है वो किससे बनता है, बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है, तो जो इसका सेंट्रल नोड होता है ट्री का, जो सेंट्रल आप ब्रांच कह सकते हो, वो तो आपका बस टोपोलॉजी होता है. फाइन, और उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस होती है वहां पे यूज होती है इसकी स्टार टोपोलॉजी. यहाँ पे स्विच हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और इस स्विच से कनेक्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट नोड्स. फाइन, ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हो गए लाइक दिस. ओके, तो ये आपका स्विच है. राइट, तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नोड आप सेंट्रल ब्रांच कह लो या सेंट्रल नोड कह लो, सेंट्रल आप उसकी बैकबोन कह लो. ओके, वो किसकी हेल्प से बनती है, वो बस टोपोलॉजी की हेल्प से बनती है. जो ब्रांचेस बनती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है. फाइन, तो ट्री टोपोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है. फाइन, ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम्स विल ऑफर द हाइएस्ट बैंडविड्थ, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम क्या ऑफर करता है, हाईएस्ट बैंडविथ ऑफर करता है. तो बैंडविथ क्या है, बैंडविथ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. मींस कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मीडियम से. ओके, इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम.
मतलब एक टाइम लिमिट में कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो हाईएस्ट बैंडविड्थ किसकी होती है? हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर की। ओके, तो जहां पे हाईएस्ट बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर क्या यूज किया जाता है? वहां पर ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है। ओके ओके, फॉर एन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी सबको पता है, जहां पे जो कंप्यूटर्स होते हैं, नोड्स होते हैं, वो जितने भी दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनसे लिंक होते हैं। ओके, लाइक दिस आप ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं एक छोटा सा लाइक दिस। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सारे कंप्यूटर्स हैं। ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है, ये वाला पॉइंट कंप्यूटर है, ये मैं छोटी सी मैश टोपोलॉजी आई एम ट्राइंग टू क्रिएट। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, राइट। तो अगर क्या है, फोर एन डिवाइसेस इन द नेटवर्क, अगर एन डिवाइसेस मतलब आप फोर डिवाइसेस ले लो, फाइव डिवाइसेस ले लो नेटवर्क में, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड इन अ रिक्वायर्ड फॉर अ मैश टोपोलॉजी। तो कितने केबल लिंक्स चाहिए, जो ये लिंक बन रहे हैं उनको केबल लिंक्स कहते हैं, कितने केबल लिंक्स चाहिए अगर कितने डिवाइसेस है, एन डिवाइसेस है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी n into n minus 1 divided by 2, fine, okay। तो अगर यहाँ पे n क्या हो सकता है, 5 computers हो सकते हैं, 6 computers हो सकते हैं, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, number of links निकल के आ जाएंगे, fine, okay। next question, which of the following protocols is used in real time internet based communication, okay, real time मतलब at the same time online, राइट अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, इसकी अभी हमने बात की थी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, स्काइप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट हब, कौन से नेटवर्क डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्विच को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट हब कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वर्किंग तो हब जैसी ही होती है, लेकिन एक चीज में ये डिफरेंट है हब से, क्या, हब है ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, जितने भी नोड्स उससे कनेक्ट होते हैं वो सबको सेम मैसेज ट्रांसफर कर देता है, बट स्विच क्या है, यूनिकास्ट डिवाइस है जो सिर्फ उसी नोड को मैसेज ट्रांसफर करता है जो जिसके लिए मैसेज जाना होता है, बाकी जितने भी नोड्स होते हैं उनको वो मैसेज नहीं ट्रांसफर करता। तो हम हब के प्लेस पर स्विच को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब भी कहा जाता है। ओके ओके, द प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स रिस्पेक्टिवली आर, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं ईमेल को सेंड करने में और रिसीव करने में। तो ईमेल को सेंड करने में आपका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, और आपकी मेल्स को ईमेल्स को रिसीव करने के लिए होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपके ईमेल्स को सेंड करता है एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपके ईमेल को रिसीव करता है। ओके ओके, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू एंड और फ्रॉम द नेटवर्क अ सिस्टम नोन एज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कौन सा सिस्टम होता है जो आपके नेटवर्क को, आपके कंप्लीट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से बचाता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जो, और आप उसको किस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हार्डवेयर फॉर्म में भी और सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है, ये फायरवॉल है जो क्या करता है, आपके इंटरनल नेटवर्क और आउटर नेटवर्क के बीच में एज अ बैरियर बैठा होता है। ओके, और क्या करता है, आउटर नेटवर्क को पूरा का पूरा छानने के बाद, ठीक है, पूरा उसको चेक करने के बाद आपके इंटरनल नेटवर्क में उसका डेटा ट्रांसफर होने देता है। तो फायरवॉल को आप हार्डवेयर फॉर्म में भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी। ओके, नाउ कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ डैश एंड डैश टाइप्स, कम्युनिकेशन मीडिया क्या आपका किस किस टाइप का हो सकता है। तो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन जिसके अंदर वायर्स यूज होते हैं। ओके, और अनगाइडेड क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन
जहाँ पे आपके रेडियो वेव्स एंड डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यूज होती हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए. तो हमारे दो टाइप्स के कम्युनिकेशन मीडिया हैं, गाइडेड मींस वायर्ड नेट मीडिया एंड अनगाइडेड मींस वायरलेस मीडिया. HTML लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट. HTML लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है क्या क्रिएट करने के लिए? इसका यूज किया जाता है आपके स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए. स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? वो वेबसाइट्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, आप स्टैटिक इंफॉर्मेशन देते हो. स्टैटिक इंफॉर्मेशन मींस आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो पर आप उस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, और वो इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती. यू ओनली कैन सी डेट इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको कॉपी कर सकते हो, बट आप उसको उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते. फाइन, तो HTML लैंग्वेज की हेल्प से हम स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं. फाइन, नाउ URL स्टैंड फॉर. URL क्या होता है? URL क्या होता है? ईच वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द इंटरनेट कॉल्ड एज URL. URL क्या है? URL इज द एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी वेब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. फाइन, नाउ Which is the physical address to identify the machine uniquely in a network? अब जितने भी devices internet से connect होते हैं, network से connect होते हैं, उनका एक machine address भी होता है. Fine, machine address होता है जिससे उनकी identification होती है. उस machine address को हम क्या बोलते हैं? MAC address, right? Media access control address, right? Media access control address. ये क्या है? Hardware का address होता है. ये hardware को identify करता है. सेंडिंग द ईमेल टू एनी सीसी मींस, आप जब कोई भी मेल सीसी को सेंड करते हो, मतलब आप सीसी में भी कोई एड्रेस डालते हो, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है सेंडिंग द मेल विद द कार्बन कॉपी, मतलब आप सीसी के अंदर जो भी एड्रेस यूज कर रहे हो, जो भी एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, उसके पास उस पर्टिकुलर मैसेज की कॉपी जाएगी. फाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर है सेंडिंग द मेल विद अ कार्बन कॉपी. उस पर्टिकुलर एड्रेस के पास आपकी क्या होगी, जो भी आप मेल टू के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा, और जो सीसी के अंदर आपने ईमेल आईडीज दिए हैं उनके पास भी वो मैसेज जाएगा. और इसका एक फीचर और क्या होता है, सीसी में जो आपने एड्रेसेस दिए हैं उनके पास वो लिस्ट भी जाती है कि कितने और अदर लोगों को आपने ये मैसेज सेंड किया है. फाइन, नाउ Which one is a micro blogging software? इनमें से कौन सा micro blogging software? Micro blogging क्या होता है? जब आप short blogs, short messages देते हो, short post create करते हो, तो उसको बोलते हैं micro blogging. तो यहाँ पे हमारा micro blogging software कौन सा है? Twitter, जहाँ पे हम छोटे छोटे tweets करते हैं, छोटे छोटे post डालते हैं. Fine, okay. Which topology in general use less wire length compared to others? कौन सी टोपोलॉजी सबसे कम वायर को यूज करती है? तो वी ऑल नो डेट बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक वायर होती है जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. फाइन, तो जो सबसे कम वायर यूज करता है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? वो बस टोपोलॉजी होती है. फाइन, ओके. विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डायरेक्शंस? कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है जब आपको सिग्नल्स को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफर करना होता है? तो हम यूज करते हैं रिपीटर का. रिपीटर क्या करता है, जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, मतलब उनको रीजनरेट करता है. फाइन, और उनको पहले जितना जो अगर उनकी जो भी स्ट्रेंथ कम हो गई होती है वो उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है, उनकी स्ट्रेंथ को वापिस सिग्नल्स के अंदर डालता है, उनको एम्पलीफाई करता है. तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, इन बिटवीन जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल्स को ट्रांसफर करना होता है तो हम रिपीटर्स का यूज करते हैं. फाइन, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ब्राउजर? इनमें से कौन सा ब्राउजर है? यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रोम, वो क्या है? ब्राउजर. बाकी व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन है, ट्विटर आपका क्या है? दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन. फाइन, ओके. तो यहाँ पे क्रोम क्या है? आपका ब्राउजर. फाइन, नाउ जनरली विच टोपोलॉजी इज यूज इन द बैकबोन ऑफ इंटरनेट? जब आप इंटरनेट का बैकबोन क्रिएट करते हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं बस टोपोलॉजी.
हमेशा ध्यान रखो जब बैकबोन ऑफ इंटरनेट की बात होती है, ओके, बैकबोन ऑफ इंटरनेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, एक वो पर्टिकुलर बिग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, फाइन। छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, ये जो मैंने लाइंस बनाई है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या है वो एक पर्टिकुलर, ये जो हमारा ये लॉन्ग नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लॉन्ग नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमारा इंटरनेट बनता है। तो यहाँ पे हम कौन सी टोपोलॉजी को यूज करते हैं जब हमें इंटरनेट की बैकबोन बनानी है, बस टोपोलॉजी को यूज करते हैं, ओके ओके। अ नेटवर्क विद ऑल क्लाइंट कंप्यूटर एंड नो सर्वर इज कॉल्ड, वो नेटवर्क जिसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, उसमें सर्वर नहीं होता, तो वो कौन सा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग, फाइन। जिसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो उनकी इक्वल कैपेबिलिटी होती है, राइट। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो ज्यादा जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, सारे इक्वल होते हैं। और बेसिकली दे आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर, और यू कैन से एक्सचेंज डेटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर, फाइन। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो क्लाइंट को सारा डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन पीयर टू पीयर में क्या होता है, सब जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो इक्वली पावरफुल होते हैं, फाइन, ओके। विच इज कॉल्ड अ स्मार्ट हब, ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, स्मार्ट हब क्या है, स्विच है, ये रिपीट हो गया, फाइन। तो स्मार्ट हब क्या है, स्विच है, हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं, ओके। वो क्वेश्चन था कि हम स्विच की जगह क्या यूज कर सकते, सॉरी, हब की जगह क्या यूज करते हैं, स्विच कर सकते हैं, ओके, और हम स्विच को स्मार्ट हब भी बोलते हैं क्योंकि दोनों की वर्किंग एक है, बट दोनों एक तरीके से यूज होते हैं, टू कनेक्ट द नोड्स, टू कनेक्ट द डिवाइसेस, बट क्या है, हब सब जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं सबको डेटा ट्रांसफर कर देता है, बट स्विच उस पर्टिकुलर नोड को ही डेटा ट्रांसफर करता है जिसको वो जाना चाहिए, फाइन, जिसके लिए वो मैसेज होता है। What is the full form of NIC? NIC की full form क्या है? Okay, NIC की full form क्या होती है? Network Interface Card. Fine. तो NIC क्या होता है? NIC is a NIC provides a computer with a dedicated full time connection to a network. ये क्या एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है किससे? नेटवर्क से, राइट, ओके, क्या क्रिएट करता है? डेडिकेटेड फुल टाइम कनेक्शन टू द नेटवर्क, आपका कंप्यूटर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ एनआईसी, ओके। द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज, अगर आप नेटवर्क क्रिएट करते हो तो उसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर कौन सा कंप्यूटर होता है, जो जितने भी और दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, फाइन। तो सर्वर क्या होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क का, ओके। नाउ वी हैव, What is an standalone computer system? Standalone computer system क्या होता है? Fine. तो इसका क्या आंसर है? It is a computer without any networking. वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता उसे हम standalone computer कहते हैं. Fine. Okay. If all devices are connected to a central hub, then topology is called, जब सारे के सारे devices क्या है, central hub से connected हैं, ठीक है, central, ये आपका central hub है, और जितने भी devices हैं, sorry, like this, जितने भी devices हैं वो central hub से connected हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं star topology, ओके, उसको आप कहते हो star topology, जिसमें जितने भी devices होते हैं वो central switch या central hub से connected होते हैं। Now, what is the name of the network topology in which there is bi-directional links between each possible node? वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं उनके इन बिटवीन bi-directional लिंक होते हैं। bi-directional means like this, मैं आपको क्रिएट करके छोटा सा दिखाती हूँ। ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और ये आपका सेकेंड कंप्यूटर है, ओके, तो देखो ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये मान लो हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट जो ये लिंक जा रहा है बायडायरेक्शनल है, ये यहां से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा और यहां से यहाँ पे भी डेटा ले जाएगा, राइट, ऐसे, ओके, डेटा इस डायरेक्शन से इधर भी जा सकता है और यहां से यहाँ पे भी आ सकता है, तो ये कौन सा लिंक है, बायडायरेक्शनल लिंक है, फाइन, ओके। क्या होता है बायडायरेक्शनल लिंक, स्टेब्लिशेस अ बैक लिंक और यू कैन से रिटर्न लिंक टू गो बैक टू द इनिशियल प्लेस, फाइन, ओके। तो यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी में बायडायरेक्शनल लिंक्स यूज होते हैं, वो हमारे यूज होते हैं मैश टोपोलॉजी में, फाइन, जिसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो दूसरे जितने भी और नोड्स होते हैं उसे कनेक्टेड होते हैं, तो इसका आंसर है मैश टोपोलॉजी,
फाइन, हब इज अ, हब क्या होता है, हमारी ब्रॉडकास्ट डिवाइस होती है जो जितने भी कनेक्टेड नोड्स होते हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देती है, मतलब सबको मैसेज सेंड कर देती है, इसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस आप बोलोगे। स्विच क्या है, आपका यूनिकास्ट डिवाइस है जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किस नोड के पास डेटा जाना चाहिए और पर्टिकुलरली उसी नोड के पास वो डेटा को सेंड करता है। फाइन, इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग अ डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, जो मॉडर्न कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर क्या करता है, यूज डिजिटल सिग्नल्स को यूज करता है, तो उसको टेलीफोन लाइन्स पे ट्रांसफर करने से पहले वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ओके, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेंडर कंप्यूटर पे होता है। रिसीवर कंप्यूटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में। ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। राइट, तो कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। इसलिए मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, मॉडम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ओके, नाउ द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, जितने भी रिसोर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनकी लोकेशन मतलब उनका एड्रेस किसकी हेल्प से दिया जाता है, वो दिया जाता है यूआरएल की हेल्प से, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, जो जितने भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट, वेब डॉक्यूमेंट्स, उन सबका क्या है, लोकेशन बताता है, उन सबका एड्रेस बताता है। फाइन, ओके, नाउ अ डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आप बिल्डिंग के अंदर क्रिएट करते हो या कैंपस के अंदर क्रिएट करते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हम छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं, वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो छोटे छोटे प्लेसेस पे आप क्रिएट करते हो नेटवर्क, उनको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ओके, वो क्या होते हैं हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्टेड होता है। फाइन, जैसे वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, इस कलेक्शन को क्या बोला जाता है, जो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज द वेब ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। फाइन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू व्यू अ वेब पेज। अगर आपको वेब पेज देखना है तो आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे, वेबसाइट का यूज करोगे, इंटरप्रेटर का। तो आपको वेब पेजेस को अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे देखने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक सॉफ्टवेयर। ओके, वो सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेब ब्राउजर, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, वेब पेजेस को एक्सेस करते हो। फाइन, ओके, अ नेटवर्क राउटर ज्वाइंस टू डैश टुगेदर। जो नेटवर्क राउटर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है दो नेटवर्क को ज्वाइन करना, वो एक नेटवर्क का डेटा सेंड करता है दूसरे नेटवर्क को। राइट, तो यहाँ पे नेटवर्क राउटर क्या करता है, टू नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है आपस में। फाइन, अ नेटवर्क पॉइंट दैट प्रोवाइड्स एंट्रेंस इनटू अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क पॉइंट, और आप कह सकते हो नेटवर्क डिवाइस, जो दूसरे नेटवर्क के अंदर आपको एंट्रेंस प्रोवाइड करता है, आपको कनेक्ट करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा गेटवे। गेटवे क्या करता है, इट इज यूज टू कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स, ये डिसिमिलर नेटवर्क्स को ज्वाइन करता है। लाइक ये क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देगा आपके वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के साथ, ओके, या एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ। राइट, तो एक दूसरे, एक डिफरेंट नेटवर्क में आपको ज्वाइन करता है गेटवे। नाउ ARPANET स्टैंड फॉर, ARPANET क्या है, जो आपका फर्स्ट नेटवर्क क्रिएट हुआ था। फाइन, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। राइट, ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नाउ इन स्पेसिफिक, इफ द सिस्टम यूज सेपरेट प्रोटोकॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू लिंक टू सिस्टम्स। अगर क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट सिस्टम्स डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप कौन से डिवाइस का यूज करोगे उनको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम गेटवे का यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या करता है, डिफरेंट सिस्टम्स को ज्वाइन करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उन सिस्टम्स को ज्वाइन करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क को
वर्ल्ड वाइड एरिया के साथ कनेक्ट करता है. फाइन, तो यहाँ पे गेटवे का यूज होगा. नाउ मैन स्टैंड्स फॉर, मैन क्या है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ओके, जो क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. फाइन, ओके. नाउ वी हैव एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस हियर. एसेशन क्या आपका स्टेटमेंट है और रीजन क्या है, ये इसको जस्टिफाई करता है या नहीं ये हमें बताना है. फाइन, अब एसेशन क्या है, अ राउटर इज मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट देन हब और स्विच. राउटर क्या है, वो डिवाइस है जो हब और स्विच से क्या है, इंटेलिजेंट है. अब हब और स्विच क्या करते हैं, एक आप पर्टिकुलर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज करते हो. ओके, लेकिन राउटर क्या है, राउटर एक से ज्यादा नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे से ज्वाइन करता है. और ये क्या करता है, राउटर चूजेस द बेस्ट रूट टू सेंड द डेटा पैकेट्स आउट ऑफ सेवरल रूट्स एग्जिस्टिंग इन अ नेटवर्क. इसका क्या मीनिंग है, ये क्या करता है, बहुत सारे रूट्स होते हैं डेटा को सेंड करने के लिए, मतलब रास्ते होते हैं, लेकिन ये क्या चूज करता है, बेस्ट रूट को चेंज करता है, सॉरी सिलेक्ट करता है डेटा को सेंड करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में. ओके, तो आपका क्या है, एसर्शन ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे राउटर क्या है, हब और स्विच से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होता है. फाइन, नाउ रीजन, इट हैज एडवांस कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा एंड डिसाइड द डेटा इज पैक्ड एंड सेंड इट टू द अदर नेटवर्क. ओके, इसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं, ये डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि डेटा अच्छे से, मतलब उसकी डेटा पैक की पैकिंग को वो चेक करता है. ओके, और उसको क्या करता है, एक बेस्ट रूट डिसाइड करके डिफरेंट नेटवर्क पे सेंड करता है. फाइन, तो यहाँ पे हमारा क्या है, assertion और reason दोनों true है, तो आप कौन सा option choose करोगे, A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Fine. Okay, assertion. The repeater is a device that amplifies the network over geographical distance. Repeater कौन सा device होता है, जो जितने भी big network में, long networks में use किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये signals को amplify करता है, उनको regenerate करता है. फाइन, तो ये हमारा assertion क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम रिपीटर का यूज करते हैं सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और इसका यूज किया जाता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए. ओके, जो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं, लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में स्प्रेड होते हैं. फाइन, ओके, अब रीजन देखते हैं. अ हब इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस इन द नेटवर्क. हब का यूज किया जाता है एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क में. एसेशन भी ट्रू है और हब भी ट्रू है, लेकिन हब क्या, ये जो रीजन है, सॉरी एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन क्या है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ओके, दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है वो एसेशन को जस्टिफाई नहीं करता है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, बी. Both assertion and reason are true, but R means reason is not the correct explanation of A. Reason आपका assertion का correct explanation नहीं है. Okay, assertion. VOIP, Voice over Internet Protocol stands for Voice over Internet Protocol, right? ये इसकी full form है. Assertion आपका true है. It is a technology that allows you to make voice call using a broadband internet connection instead of a regular phone line. ये क्या technology है, इसकी help से आप internet पर voice call कर सकते हो. ओके, इसके लिए आप रेगुलर फोन लाइंस की आपको जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट की हेल्प से वॉइस कॉल कर सकते हो. फाइन, तो यहाँ पे हमारा एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. ओके, और रीजन क्या है, एसेशन को जस्टिफाई भी कर रहा है. तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करोगे, ए. बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके. नाउ द एसेशन इज बस टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल नोड विच एक्ट्स एज अ हब. यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है, वो सेंट्रल नोड पे डिपेंड करती है, जो किसकी तरह काम करता है, हब की तरह काम करता है. नहीं, हब कहाँ पे यूज करते हैं, हम बेसिकली इसको यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में. ओके, तो ये जो हमारा एसेशन है वो करेक्ट नहीं है. ओके, ये रॉन्ग है. अब रीजन देखते हैं. बस टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स अ लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन टाइम. ठीक है, बस टोपोलॉजी में वेरी लो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की, क्योंकि हम एक सिंगल कनेक्शन केबल को यूज करते हैं जिसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होते हैं. फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा एसर्शन है वो तो क्या है, फॉल्स है.
राइट, बट रीजन ट्रू है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? आप चूज करोगे ऑप्शन डी, मीन्स एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. फाइन, ओके. एसर्शन, अ प्रोटोकॉल मीन्स द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क. प्रोटोकॉल क्या होता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसको फॉलो करते हैं. अगर वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इंटरनेट का और या फिर नेटवर्क का पार्ट नहीं माने जाएंगे. फाइन, ओके. तो आपका क्या है? एसर्शन आपका ट्रू है यहाँ पर. अब हम रीजन देखते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल. लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है? नहीं, प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है. प्रोटोकॉल के आपके एग्जाम्पल हो गए आपका TCP/IP, ओके, और आपका FTP. ये क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा ट्रांसफर के टाइम रूल्स फॉलो किए जाते हैं. फाइन, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, प्रोटोकॉल नहीं है. तो हमारा एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है. तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन यहाँ पे हम ऑप्शन सी चूज करेंगे कि assertion is true but reason is false. ओके, ओके. assertion क्या है हमारा? A hub is a networking device used to create LANs. हब क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है, ओके, जिसका यूज किया जाता है LAN को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, ये हमारा करेक्ट है. यस, हब के हेल्प से हम क्या करते हैं? LANs क्रिएट करते हैं. ओके, आपको एज अ मिडल डिवाइस यूज करते हो और डिफरेंट डिफरेंट आप डिवाइस से कनेक्ट करते हो. राइट, तो हमारा एसर्शन यहाँ पे क्या है? ट्रू है. अब क्या है आपका रीजन? हब इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स. हब वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हो. तो रीजन हमारा यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि कौन से डिवाइस का यूज होता है सब नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए? स्विच का यूज किया जाता है. ठीक है, स्विच क्या करता है? सेगमेंट करता है एक नेटवर्क की इनटू डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क, जिनको सब नेट्स या लैन सेगमेंट्स भी कहा जाता है. ओके, ओके. तो क्या करता है स्विच? एक बिगर नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में, छोटे छोटे स्मॉल सब नेट्स में डिवाइड कर देता है टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क. तो हब नहीं करता है, स्विच करता है. तो आपका एसर्शन तो यहाँ पर ट्रू है, राइट, बट रीजन आपका क्या है? फॉल्स. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, ओके. एसर्शन इज राउटर ट्रांसमिट डेटा इन मोर एफिशिएंट वे. राउटर क्या होता है? पूरा का पूरा, बहुत सारे रूट्स होते हैं, उनमें से कोई एक बेस्ट रूट डिसाइड करता है डेटा ट्रांसफर के लिए. तो ये क्या होता है? ये जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट करता है. तो आपका एसर्शन ट्रू है. अब रीजन क्या है? राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल. एक पूरी पर्टिकुलर राउटिंग टेबल बनाता है रूट्स की. ओके, एंड ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका रीजन भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को. ओके, एंड डिफरेंट रूट्स को डिसाइड करता है, उनमें से बेस्ट रूट को चूज करता है. तो यहाँ पे आपका एसर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है. तो आप ऑप्शन ए को चूज करोगे. बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट, नाउ assertion इज अ gateway connects dissimilar network. gateway क्या है? वो डिवाइस है जो डिफरेंट dissimilar networks को कनेक्ट करता है. लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है. उन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है जो डिफरेंट आर्किटेक्चर के होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. फाइन, तो आपका assertion ट्रू है. नाउ gateway establishes a connection between local network and external network. ये मैंने अभी आपको बताया कि gateway क्या करता है, connection establish करता है लोकल नेटवर्क में एंड एक्सटर्नल नेटवर्क में. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट है. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Mesh is a device that connects the organization's network with the outside world of the internet. आपको उस डिवाइस का नेम बताना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोकल नेटवर्क को आउटसाइड वर्ल्ड के नेटवर्क से कनेक्ट करता है. तो वो डिवाइस हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लाइक ये लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है. फाइन, तो गेटवे वो डिवाइस है जो किसी भी लोकल नेटवर्क को एक बिगर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, और यू कैन से इंटरनेट से कनेक्ट करता है. राइट, नाउ
कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज. इंटरनेट पे हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है उनको क्या कहा जाता है. हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, जो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होता है. फाइन, एक वेब पे दूसरे वेब से कनेक्ट होता है, दूसरा वेब पे थर्ड वेब पेज से कनेक्ट होता है. ऐसे वी हैव मल्टीपल वेब पेजेस कनेक्टेड टुगेदर. ओके, तो जहां पे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से हाइपर लिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारी वेबसाइट होती है. राइट, वेबसाइट में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, सेकंड से थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो, जितना भी उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक. फाइन. नाउ टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेलीविजन नेटवर्क क्या होता है, टेलीविजन केबल नेटवर्क होता है विद इन अ सिटी, वो पूरा एक सिटी को ऑक्यूपाई करता है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, वो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल. राइट, ओके, ये क्या करता है, इट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. राइट, टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या करता है, एक लार्ज एरिया को कवर करता है बाय कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क्स. राइट, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके वो एक पर्टिकुलर सिटी का केबल नेटवर्क बनाता है. फाइन, दैट्स वाई टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. ओके, नाउ विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है और आपका एज भी ब्राउजर है. अवस्ट क्या है, आपका एंटीवायरस है. फाइन, तो अवस्ट क्या है, आपका ब्राउजर नहीं है, तो आपका आंसर है अवस्ट. राइट, नाउ टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम द नेटवर्क अ सिस्टम नोन एज डैश कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए आप एक नेटवर्क में हार्डवेयर की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो. फाइन, तो वो सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फायरवॉल. राइट, फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो आपके नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को नहीं आने देता, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है आपके नेटवर्क में. और आप इसको हार्डवेयर की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, और आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टॉपोलॉजी. इनमें से कौन सा नेटवर्क टॉपोलॉजी नहीं है. नेटवर्क टॉपोलॉजी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस. राइट, आप जब नेटवर्क डिवाइसेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हो, उनको एक पोजीशन देते हो, उसको हम बोलते हैं टॉपोलॉजी. फाइन, तो यहाँ पे देखो आपकी स्टार भी टॉपोलॉजी है, मैश भी टॉपोलॉजी है, ट्री इज ऑल्सो टॉपोलॉजी, बस इज ऑल्सो टॉपोलॉजी, बग इज नॉट अ टॉपोलॉजी. तो इसका आंसर हो गया बग. नाउ फॉर वेब पेजेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रिक्वेंटली, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइज. आप बताओगे वो वेब पेजेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज होती है, उन वेब पेजेस को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डायनेमिक वेब पेजेस. राइट, स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन एक बार आ गई है तो आप वेन एवर यू विल सर्च दैट पर्टिकुलर वेब पेज तो वो सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. राइट, बट डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है, वेन एवर यू सर्च डायनेमिक वेब पेजेस आपको हर बार अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. राइट, क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है. ओके, नाउ आई कैन कीप यू साइन इन. ओके, तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या है. मैं आपको साइन इन रख सकता हूँ. ओके, आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंसेस. मैं ये रिमेंबर कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि आप कौन कौन सी साइट्स को सर्च करते हो, कौन कौन सी साइट्स पे आप जाते हो. आई कैन गिव यू लोकली रेलिवेंट कंटेंट. राइट, मैं आपसे रिलेटेड कंटेंट आपको दे सकता हूँ. ओके, वट एवर द कंटेंट यू वॉन्ट टू सर्च. फाइन, हु एम आई, तो बताओ मैं कौन हूँ. तो ये क्या हुआ, ये हो गया कुकीज. ओके, जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो आपके ब्राउजर में कुछ टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर कर देती हैं जिनको कुकीज़ कहा जाता है. ये टेक्स्ट फाइल क्या करती है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचाती है, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या किस टाइप का डेटा सर्च करते हो. फाइन, और जैसे आप साइन इन करते हो, साइन इन के बाद आपसे पूछा जाता है डू यू वॉन्ट टू सेव योर पासवर्ड. ओके, तो अगर आप उस पर टिक कर देते हो, राइट, तो वो भी कहाँ पे जाके स्टोर जाता है, कुकीज में जाके स्टोर जाता है. फाइन,
Now, a dash network device is also known is known as an intelligent hub. कौन सी device को intelligent hub कहा जाता है? देखो, switch क्या है? Switch and hub, they are same devices, right? दोनों same है, but दोनों में difference एक ही है. Hub क्या करता है? जो भी message उसके पास आता है, वो broadcast कर देता है. मतलब जितने भी devices hub से connected होते हैं, वो message को उन सारे devices को दे देता है, सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज का. लेकिन स्विच क्या करता है? स्विच के पास जब भी कोई मैसेज आता है, वो उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचाता है, राइट? जिस डिवाइस के लिए वो मैसेज है, राइट, उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो मैसेज वो सेंड करता है, राइट? तो यहाँ पे स्विच को इस वजह से इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, राइट? ओके, नो नेम एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर्स. आपको दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स बताने हैं, बहुत सारे हैं जिनमें से दो यहाँ पे दे दिए गए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम. ओके, नो डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कैन एनालाइज द डेटा बींग कैरिड ओवर अ नेटवर्क. एक ऐसा डिवाइस, ओके, जो डेटा को एनालाइज करता है, जो वो डेटा जो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है, डिसाइड और अल्टर हाउ इट इज़ पैकेज. वो डिसाइड करता है या बताता है कि डेटा को कैसे पैकेज किया जाए एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप, और इसे दूसरे नेटवर्क पे किस रूट के थ्रू सेंड किया जाए. तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है? राउटर है. राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा पैकेट्स को, राइट, एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू सेंड करता है और पहले वो सारे रूट्स को समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा के लिए बताता है कि कैसे डेटा की पैकेजिंग की जाए और किस रूट से डेटा को सेंड किया जाए. ओके, तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या है? राउटर है. नाउ विच नेटवर्क टोपोलॉजी टिपिकली रिजल्ट्स इन लेस वायर लेंथ यूसेज एज कम्पेयर टू अदर्स. कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे कम वायर यूज किया जाएगा? तो इनमें से स्टार में भी होती है, मैश में भी काफ़ी वायर यूज, मैश में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइब्रिड में भी होती है. आपकी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसको बस कहा जाता है, राइट, एक सेंट्रल केबल है, उसके अंदर ही आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, राइट, ओके, तो इसके अंदर केबलिंग बहुत लेस है, राइट, तो आपका आंसर हो गया बस टोपोलॉजी. नाउ एसर्शन, आपके पास एसर्शन है, ओके, मतलब आपका ये कि पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड लोकली ऑन द क्लाइंट्स वेब ब्राउजर टू रिमेंबर द नेम वैल्यू पेयर दैट आइडेंटिफाइज द क्लाइंट, राइट. तो यहाँ पे ये कह रहा है कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स है, ठीक है, जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में स्टोर होती है, और वो क्या रिमेंबर करती है, वो नेम वैल्यू पेयर. नेम वैल्यू से यहाँ पे क्या है, पर्सन का नाम या कंपनी का नाम, एंड वैल्यू से क्या है, उसका फोन नंबर, उसकी अदर डिटेल्स, राइट, ओके, जिससे कि क्लाइंट को पहचाना जा सके, उसकी आदतों को पहचाना जा सके. ओके, अब यहाँ पे रीजन क्या दिया है, कुकीज आर प्राइमली यूज टू ट्रैक यूजर्स फिजिकल लोकेशन. कुकीज से आप यूजर की फिजिकल लोकेशन को पहचानते हो. फिजिकल लोकेशन मतलब इस टाइम वो कहाँ बैठा है, फिर वो उसके बाद कहाँ गया, वो ड्राइव करके कहाँ गया, वो अपने घर में है या अपने नेबर के घर में है, राइट, तो ये तो फिजिकल लोकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं कुकीज के थ्रू. ओके, फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है सी, A is true but R is false, क्योंकि A तो assertion तो आपका correct है but reason आपका false है कि physical location को वो track नहीं करेगा, right? वो virtual location को track करेगा, not physical location, fine? तो यहाँ पे आपका option C क्या है, correct है. Okay, now इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल डेट कंटेन स्मॉल पीस ऑफ डेटा. अगेन इंटरनेट कुकीज का है, इंटरनेट कुकीज क्या है, टेक्स्ट फाइल्स हैं जो एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा कंटेन करती है, लाइक यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूजर की प्रेफरेंस हो गई कि वो कौन सा डेटा सर्च करता है वाइल सर्फिंग द इंटरनेट. फाइन, तो आपका एसर्शन ट्रू है. नाउ रीजनिंग, टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड ईजियर इट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर्स कंप्यूटर. तो वो क्या कह रहा है कि आपको अपनी ब्राउजिंग को फास्टर करने के लिए कि आप बहुत जल्दी डेटा को सर्च करो, ठीक है, आप क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन, अपनी कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर पे जाके स्टोर कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके,
सर्वर कंप्यूटर पे आपको अपनी जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करनी है, राइट. आपको अपने पासवर्ड को सेव नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप पासवर्ड्स वगैरह सेव कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपका सिस्टम यूज करता है वो इजिली आपके डेटा तक पहुंच सकता है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए इज ट्रू, मतलब assertion तो ट्रू है बट आपका रीजन फॉल्स है. ओके, नाउ assertion, modem stands for modulator demodulator. modem को modulator demodulator कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है. modulator कब कहा जाता है, जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट. और जब डेटा ट्रेवल करना होता है थ्रू द टेलीफोन वायर्स, तो वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, एज अ मॉड्यूलेटर. ओके, और डेटा सेंड हो गया. अब रिसीवर के पास डेटा जाएगा, रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा, अगेन आपका मॉडम क्या करेगा, डेटा जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा. पहले उसने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है, और उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है मॉडम को. अब अगेन जब रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा गया तो एनालॉग से सिग्नल को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो इसको क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन, राइट. ओके, एंड यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ डीमॉड्यूलेटर. ओके, दैट्स व्हाई मॉडम इज आल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ओके, अब इट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट रीजन दिया गया assertion का. फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. Multiple choice questions and assertion and reasoning question based on societal impacts IP class 12. Okay, so let us start with the first question. What is the name of the IT law that India is having in the Indian legislature? India mein jo IT law follow kiya jata hai, wah kaun sa hai? ओके, तो इंडिया में जो आईटी लॉ फॉलो किया जाता है वो है इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और यू कैन से आईटी एक्ट 2000. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और यू कैन से आईटी एक्ट 2000. ओके, तो ये क्या है, इट इज अ प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो ये क्या है, ये लॉ फॉलो किया जाता है इंडिया में जो भी साइबर क्राइम होता है उसके लिए. ओके, इसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स जो आपका इंटरनेट के थ्रू लेन देन होता है, सेल परचेस होता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको भी इस लॉ के हेल्प से हैंडल किया जाता है. फाइन, ओके, सॉफ्टवेयर डेट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर जिसको क्या किया जा सकता है, आराम से उसको एक्सेस किया जा सकता है, मतलब फ्री में उसको एक्सेस किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है. ऐसा होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर आप इसको फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. फाइन, इसका जो सोर्स कोड होता है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. ओके, उसमें अगर आप सोर्स कोड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस, और इसके लिए आपको पे नहीं करना होता क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है. ओके, सॉफ्टवेयर डेट कैन बी फ्रीली एक्सेस, जिसको आसानी से फ्री में एक्सेस किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को आप बोलते हो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. और यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे टिक कर दोगे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, ओके, नो थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ओके, एंड इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. ओके, कौन से इक्विपमेंट्स, ये किसको इंक्लूड करता है, ये हमारे ओल्ड या फिर डिस्कार्डेड जो हमारे इलेक्ट्रिकल
और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको कवर करता है, लाइक कंप्यूटर्स हो गए, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, ओके, माइक्रोवेव, तो ये इनको कवर करता है, राइट. तो यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल राइपेंड बनाना, ओल्ड क्लोथ्स, एम्प्टी सोडा कैंस, ये नहीं है. जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है उसको हम ई वेस्ट कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, एन ओल्ड कंप्यूटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज कॉल्ड. जो हम राइट्स होते हैं किसके, क्रिएटर के, उसके खुद के ओरिजिनल वर्क के, ठीक है, या आर्टिस्टिक वर्क के, उन राइट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन से राइट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉपी राइट, राइट, ओके. तो ये कॉपीराइट क्या है, इट इज द लीगल राइट ऑफ द ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो हम अपने अपने ब्रेन से क्रिएट करते हैं, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके क्रिएट करते हैं, वो प्रॉपर्टी. तो ये कॉपीराइट क्या है, उसके राइट्स हैं, ओके. कॉपीराइट इज द राइट टू कॉपी, मतलब कोई और उसके काम को कॉपी नहीं कर सकता, फाइन. ओरिजिनल क्रिएटर ही अपने वर्क को मॉडिफाई कर सकता है, ओके, राइट. अगर उसको किसी और को राइट्स देने हैं, ओके, तो वो दे सकता है खुद. अदरवाइज कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, ओरिजिनल क्रिएटर, जिसने वो वर्क क्रिएट किया है, राइट. जैसे आप एग्जांपल ले लो, बुक्स क्या होती है, कॉपीराइट होती है, जिस ऑथर ने लिखी है वो उसी का ही कॉपीराइट होता है. किसने म्यूजिक बनाया है वो उसका कॉपीराइट है, वो कोई और स्टील नहीं कर सकता, कोई और अपने नेम से नहीं उसको प्रेजेंट कर सकता. पेंटिंग्स, म्यूजिक, ओके, मूवीज, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो ये सब क्या है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने इंटेलेक्ट का यूज करके क्रिएट करता है, ओके. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उनको हम बोलते हैं कॉपीराइट, फाइन. नाउ नेक्स्ट, स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज ओन वर्क इज कॉल्ड. किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना, चुरा लेना और उसको अपने नाम से प्रेजेंट करना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लैगरिज्म, ओके. प्लैगरिज्म क्या होता है, किसी और के वर्क को, इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील कर लेना. मान लो किसी और ने बुक लिखी है, आपने क्या किया, उस बुक का सिर्फ कवर चेंज कर दिया, बाकी वो बुक एज इट इज है. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये क्या है, प्लैगरिज्म, राइट, ओके. किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करना, इसको हम बोलते हैं प्लैगरिज्म, फाइन, ओके. द डिजिटल ट्रेल्स क्या होता है, निशान, चिन्ह, ओके, विच गेट क्रिएटेड एज अ पर्सन्स इंटरनेट यूसेस यूजिंग कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल एसेट्रा इज कॉल्ड. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन इंटरनेट को यूज करता है, ओके, कंप्यूटर्स की हेल्प से, स्मार्टफोन की हेल्प से, या फिर गेमिंग कंसोल टैब्स की हेल्प से, तो क्या होता है, वो कुछ क्या करता है, निशान छोड़ता है, कुछ क्या कह रहे हैं, ट्रेल्स मीन्स उसकी कुछ हिस्ट्री वहां पे सेव हो जाती है, राइट. तो उसको क्या कहा जाता है, अगर कोई पर्सन किसी भी डिवाइस के ऊपर इंटरनेट को यूज कर रहा है तो क्या होता है, उसके कुछ डिजिटल ट्रेल्स द काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट पर्सन इज डूइंग, मीन्स उसकी हिस्ट्री, वो क्या कर रहा है, कैसी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, कौन कौन सी साइट्स पे जा रहा है, ओके, उसने क्या क्या किया, गेम्स खेली या चैट करी, तो ये क्या होता है, ये उसका डिजिटल ट्रेल होता है, उसके निशान होते हैं कि उसने क्या क्या किया, फाइन. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स, राइट. तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है डिजिटल फुटप्रिंट, ओके. What is the broad term covering computer viruses, worms, trojan, adware? तो different types के computer viruses होते हैं, okay? तो हम एक जो combined term सबके लिए use करते हैं, okay? एक collective term, तो वो होती है malware, fine? तो यहाँ पे क्या है, a broad term, एक बड़ी term जो इन सब को cover कर लेती है, वो है malware, fine? Okay. डैश इज एन अटेम्प्ट वेयर अ हैकर ट्राइज टू डाइवर्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू अ बोगस साइट. कौन सा अटेम्प्ट होता है जिसमें हैकर क्या करते हैं, आप
टाइप तो करते हो एक्चुअल वेबसाइट के लिए, ओरिजिनल वेबसाइट के लिए, लेकिन वो आपको कहाँ ले जाते हैं, फेक वेबसाइट पे ले जाते हैं, बोगस साइट पे ले जाते हैं। इस अटैक को हम बोलते हैं फार्मिंग अटैक, राइट, दिस इज कॉल्ड एज फार्मिंग अटैक। फार्मिंग अटैक में क्या होता है, आप ओरिजिनल वेब एड्रेस टाइप करोगे किसी भी वेबसाइट का, लेकिन क्या होगा, आपको कहाँ पे ले जाएगा, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है वो आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है, जो बिल्कुल रियल वेबसाइट जैसी ही होती है, ओके और जैसे ही वंस ऑन द फेक साइट, हैकर विल आइदर अटेम्प्ट टू गेन एक्सेस टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या करेंगे, अगर आप एक फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वो आपसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर, राइट। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, फार्मिंग अटैक, फाइन। Now we have IAD means, what is the full form of IAD, right? तो IAD क्या होता है, IAD is Internet Addiction Disorder, option A, right? Internet Addiction Disorder, जब आप बार बार इंटरनेट यूज करते हो, आपको एंग्जाइटी होती है अपने मेल्स को चेक करने के लिए, या किसी मैसेज का वेट करते हो, राइट, आप बार बार अपडेट्स को चेक करते हो, नोटिफिकेशंस को चेक करते हो, तो ये क्या होता है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर होता है। ये आप मतलब ये इट मे लीड टू एंग्जाइटी, ये आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करता है, डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में जाते हो, ओके, लो सेल्फ एस्टीम, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके, स्लीप डिसरप्शन मीन्स आपको नींद आना कम हो जाता है। तो क्या होता है, IAD इज अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होता है, ज्यादा इंटरनेट को यूज करने की वजह से होता है, फाइन। Now, an unsolicited mail or messages or message indiscriminately sent to a large number of persons without their consent is called unsolicited, क्या होता है, जो मांगा नहीं गया है, not asked for, right? मतलब हमने उसको नहीं मांगा ऐसे मेल को, हम नहीं चाहते, बट वो क्या है, बल्क में क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स के पास उनकी कंसेंट के बिना भेज दिया जाता है, राइट। तो इस टाइप के मेल्स को क्या कहते हैं, हम स्पैम बोलते हैं, और आपने मोस्टली देखा होगा आपके स्पैम फोल्डर में आप चेक करो तो बहुत सारे मेल्स आते हैं, क्यों, जो मेल अकाउंट्स होते हैं उन्होंने एक सेपरेट फोल्डर इसके लिए क्रिएट कर देते हैं कि जो फालतू के मेल्स आते हैं ना, ठीक है, स्पैम मेल्स आते हैं, वो उसको वहां पे स्टोर कर देते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये यूजलेस मेल्स हैं जो क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को सेंड कर दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है स्पैम, फाइन। नाउ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम विच सेंड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू अदर नोड्स ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन इज कॉल्ड। अब एक टाइप का कंप्यूटर वायरस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वॉर्म, राइट। अगर ये नेटवर्क के में है, नेटवर्क में किसी कंप्यूटर पे है, तो क्या होगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता रहता है और नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे सेंड करता रहता है, फाइन। और अगर स्टैंड अलोन कंप्यूटर है तो ये क्या करता है, इतनी कॉपीज क्रिएट करता है, स्टैंड अलोन मतलब जो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, उस कंप्यूटर का ये पूरा का पूरा उसको उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, इतनी स्पेस मेमोरी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि खुद की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता रहता है, ओके। तो ऐसा वायरस जो मल्टीपल कॉपीज अपनी क्रिएट करता है, फाइन, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वॉर्म, और यू कैन से सिंपली वॉर्म, ओके। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी DOS is termed as, जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं वहां पे एक टर्म आता है DOS, राइट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है डेनियल ऑफ सर्विस, राइट, ऑप्शन बी, डेनियल ऑफ सर्विस। डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अटैक, राइट। ये क्या होता है, ये डेनियल ऑफ सर्विस, सर्विस मींस अगर आप कोई सर्विस एक्सेस करना चाहते हैं तो उस सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ओके, बाय फ्लडिंग द टारगेट विथ ट्रैफिक। मान लो आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो इतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया जाएगा कि वो वेबसाइट आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, फाइन। या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर सोर्स जो आप एक्सेस करना चाहते हो वो क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, फाइन। यहाँ पे इसका डॉस का क्या मतलब है, डेनियल ऑफ सर्विसेज मींस आप वो सर्विस अचीव कर ही नहीं पाओगे,
ओके इस अटैक की वजह से आप डेनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक की वजह से आप जो सर्विस एक्सेस करना चाहते हो वो सर्विस आप नहीं एक्सेस कर पाओगे. फाइन. नाउ अ डैश इज अ प्रोग्राम डेट प्रोटेक्ट्स वेबसाइट अगेंस्ट बॉट्स. बॉट्स क्या होते हैं? ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म फॉर रोबोट. ठीक है, रोबोट को हम बॉट्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. बाय जनरेटिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट दैट ह्यूमंस कैन पास बट करेंट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट. ओके, तो क्या होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ह्यूमन बींग यूज कर रहे हैं या फिर ऑटोनोमस प्रोग्राम्स या रोबोट्स उसको यूज कर रहे हैं. हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैप्चा. ओके, कैप्चा का यूज करते हैं. कैप्चा क्या है? इट इज अ प्रोग्राम, और आप कह लो एक प्रोग्राम है या सिस्टम है जो डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमन को मोबाइल से. राइट, ह्यूमन बींग को मशीन से, नॉट मोबाइल, ह्यूमन बींग को मशीन से डिस्टिंग्विश करता है. फाइन. फिर से देखो, अ डैश इज अ प्रोग्राम डेट प्रोटेक्ट्स. तो कैप्चा इज अ प्रोग्राम डेट प्रोटेक्ट्स वेबसाइट अगेंस्ट बॉट्स बाय जनरेटिंग एंड ग्रेडिंग टेस्ट दैट ह्यूमन कैन पास. तो ये कैप्चा क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, या सिस्टम है जो क्या करता है, ऐसे टेस्ट क्रिएट करता है जिसको ह्यूमन बींग्स तो पास कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर उससे इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट से या रोबोट इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट से तो वो उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते. ओके, लाइक जैसे आपसे पूछा था क्लिक इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया में क्लिक करो तो ह्यूमन बीइंग तो समझ जाएगा, रोबोट्स इसको नहीं समझ सकते. या फिर आपको कहा जा सकता है आइडेंटिफाई स्ट्रेच लेटर्स और नंबर्स, लेटर्स और नंबर्स को स्ट्रेच करके लिख दिया जाए, मतलब उनको लंबा करके या पुल करके लिख दिया जाए कि उनको आइडेंटिफाई करो. तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन इसको नहीं समझ पाएगी बट ह्यूमन बीइंग इसको समझ सकते हैं. फाइन. ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन विल बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड बाय अ कंप्यूटर वायरस. तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर वायरस अटैक करते हैं तो क्या क्या ऑल्टर करेंगे या मॉडिफाई करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है. स्पीड ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी इसको भी इफेक्ट करते हैं कंप्यूटर वायरस. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो वो भी करप्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर है डी. ओके, अगर वायरसेस अटैक करते हैं सिस्टम पे तो इन सबको वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. फाइन. ओके, सो द आंसर इज डी. ओके, अ सेंटिनल प्रोग्राम. सेंटिनल प्रोग्राम कौन सा होता है? ऐसा प्रोग्राम जिसको हम एज अ गार्ड, ओके, एज अ गार्ड, एज अ सोल्जर लेते हैं. ओके, जिसका काम क्या है, जिसका काम है वॉच करना, चीजों को देखना, राइट, प्रोटेक्ट करना. अ सेंटिनल प्रोग्राम विच ट्राइज टू प्रोटेक्ट. तो ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. ट्राइज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डेटा लॉस. ओके, उसको डेटा लॉस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम फाइल्स. ओके, उसकी फाइल्स को प्रोटेक्ट करने, उसका डिस्ट्रक्शन ना हो इसके लिए प्रोटेक्ट करता है. एंड अटैक ऑफ एनी एक्सटर्नल थ्रेड्स लाइक वॉर्म और वायरस इज कॉल्ड. ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, उसका डेटा लॉस ना हो, उसकी फाइल्स डिस्ट्रक्ट ना हो, ओके, और वहाँ एक्सटर्नल अटैक्स ना हो लाइक वॉर्म या वायरस का अटैक ना हो, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है? ये सबको बच्चों को पता है, एंटीवायरस प्रोग्राम. अपने सिस्टम में डलवाते हैं इसको टू प्रोटेक्ट आर सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड्स लाइक वायरसेस. ओके, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कौन सा है? एंटीवायरस. फाइन. ओके, द नेक्स्ट, डैश इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क. ये एक सिक्योर टेक्निक है जिसकी हेल्प से डेटा को सेफली इंटर नेटवर्क के पर ट्रांसफर किया जा सकता है. तो ये कौन सी, डेटा को किस फॉर्म में, जब डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क में तो किस फॉर्म में ट्रांसफर करते होता है, वो होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एनक्रिप्शन. ओके, एनक्रिप्शन इज अ सिक्योर टेक्निक टू प्रोटेक्ट डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क. ओके, तो ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होता है, इट कन्वर्ट्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू एन अल्टरनेटिव फॉर्म. क्या होता है, जो आपकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, राइट, कोडेड फॉर्म में, या आप उसको बोल दो स्क्रैम्बलिंग डेटा. उसको इस तरीके से कोड बना दिया जाता है, इस तरीके से स्क्रैम्बल कर दिया जाता है कि अगर वो डेटा हैक हो जाए इन बिटवीन नेटवर्क में तो वो समझ ना आए, राइट. तो क्या होता है, डेटा फिर क्या होता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है इस वे से, राइट. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन. फाइन. नाउ नेक्स्ट,
आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन है मतलब कंबिनेशन है किसका, टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन मीन्स टेलीफोन लाइन्स, वायरलेस सिग्नल्स एंड कंप्यूटर्स एज वेल एज अदर डिवाइसेज लाइक सॉफ्टवेयर, राइट, मिडलवेयर, ऑडियो विजुअल डिवाइसेज, राइट। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं आईसीटी। बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या जो मोटिव है वो क्या है, वो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ओके, थ्रू टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राइट, समझ आया। यहाँ तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दोनों को कंबाइंड करते हैं, फाइन, ओके। नाउ वी हैव ईडीआई स्टैंड्स फॉर, ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन विद पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनीज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में डेटा शेयर करते हैं, वो किस फॉर्म में शेयर करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर करते हैं, राइट। यहाँ पे पेपर्स को शेयर नहीं किया जा रहा, यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू डेटा को शेयर किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से डेटा को शेयर किया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, राइट। कौन सा डेटा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, फाइन, ओके, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, ऑन पेइंग लाइसेंस फी, हमें लाइसेंस के लिए पे करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय इट्स ओनर, ओके, यूजली अ लार्ज कंपनी, जैसे क्या होता है, ये जो इनका कंप्लीटली जो ओनरशिप होती है वो क्रिएटर को के पास ही होती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है हमारी, यहाँ पे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, राइट। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आप एडोब फोटोशॉप लेते हो तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओके, और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसका जो कोड होता है, सोर्स कोड, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आप उसको जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स में क्या होता है, आपके पास सोर्स कोड आ जाते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आप टच भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो कंप्लीटली किसका उस पर राइट होता है, जिसने उसको क्रिएट किया है, फाइन, ओके। नाउ द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड, जब आप क्या करते हो, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कम प्राइस पे क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो, रीसेल कर देते हो, मतलब दोबारा उसको आपने एक बार उसको लिया, बाय किया, अब आप उसको रीसेल कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफर्बिशिंग, राइट, ऑप्शन ए, फाइन। डैश इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम इन विच अटैकर ब्लैकमेल्स द विक्टिम टू पे फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, ऐसा कौन सा साइबर क्राइम होता है जिसमें क्या होता है, आपका डेटा हैक कर लिया जाता है, फिर आपको ट्रेड्स दी जाती हैं कि अगर आपको आपका क्रूशियल डेटा चाहिए, आपको आपका इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए, तो इसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो किस टाइप का साइबर क्राइम होता है, इस साइबर क्राइम को हम बोलते हैं रैनसमवेयर, राइट, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट डेटा हैक करने के बाद आपको उस डेटा को लौटाने के बदले में आपसे पेमेंट मांगी जाती है, इसको बोलते हैं रैनसमवेयर, फाइन, ओके। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर, ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, आपके सामने फेक वेबसाइट्स सेंड की जाती है या ईमेल सेंड किए जाते हैं जो आपको बिल्कुल लेजिटिमेट लगते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, राइट, ओके, बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं। तो आप क्या करते, समटाइम्स क्या होता है, हम उन फेक वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, फेक ईमेल्स पे लिंक्स दिए होते हैं, उन पर क्लिक कर देते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम हैक हो जाता है, फाइन। तो इस एक्टिविटी को या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिशिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट, हैकर्स ट्राई टू ब्रेक सिक्योरिटी सिस्टम, हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं फॉर
आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए, ओके जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, फाइन, तो क्या होगा, अब वो आपका फेसबुक आपके नाम से रन करेंगे आपका अकाउंट, ओके आपके अकाउंट से वो डिफरेंट लोगों को यूजलेस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो आपकी है लेकिन यूज कोई और कर रहा है, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे, ओके। फॉर मॉनेटरी गेन, आपके सिस्टम को हैक करके आपकी जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपकी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है, वो आप वो हैक करके उसका उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ओके। टू लीक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी, क्योंकि हैकर्स आपके सिस्टम को हैक करने के बाद ये तीनों प्रोसेस कर सकते हैं, ये तीनों चीजें कर सकते हैं या इनमें से कोई एक चीज कर सकते हैं, फाइन, ओके। ओके, हैकिंग व्हेन डन विद अ पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड, जब हम एक पॉजिटिव इंटेंट लेकर हैकिंग करते हैं, कोई सिस्टम हैक करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एथिकल हैकिंग। मान लो क्या कर आप चाहते हो कि कुछ अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, ओके, तो आपको जैसे पुलिस है, किसी का वो फोन हैक करके या सिस्टम हैक करके वो क्या कर सकता है, वहां से डेटा लेते हैं, उसको एथिकल हैकिंग कहा जाता है, जहां पे क्या है, आपको जो अटैकर्स हैं, राइट, ओके, उनको उनके ही अटैकर्स, मान लो अटैकर्स ने अटैक करके एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का को हैक कर लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर लिया है, तो यहाँ पे एथिकल हैकर्स क्या करेंगे, उस हैक जो सिस्टम हैक हो चुका है उसको दोबारा से अपने पास लाने के लिए क्या करेंगे, एथिकल हैकिंग का यूज करेंगे, अगेन उसको हैक करेंगे, तो यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव इंटेंट है, फाइन, तो इसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग, फाइन। नेक्स्ट, डैश पैकेज कम्स अंडर फॉस, फॉस क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो कौन कौन से पैकेजेस हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट, तो यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस, ये जो आपने यूज किया होगा 10th क्लास में, लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस दोनों ही कौन से हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स हैं, हम इनको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइन, तो यहाँ पे आपका आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव, राइट। नाउ डैश इज द अनऑथोराइज्ड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या होता है, आपको जब आप कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है कि आप इतने ही सिस्टम पर उसको इंस्टॉल कर सकते हो, इससे ज्यादा आप उसको इंस्टॉल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसका बहुत ज्यादा अनऑथोराइज्ड यूज कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स पर उसको इंस्टॉल कर रहे हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, फाइन, जब आप एक ही सॉफ्टवेयर को बार बार डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ पे आप लाइसेंस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी, ओके। फॉस 10-4, फॉस क्या है हमारा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपके लिए और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंज कर सकते हो, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम कम अंडर फॉस, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फॉस के अंडर आता है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसके सोर्स कोड में भी आप चेंज कर सकते हो, तो ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास उबंटू, राइट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये फॉस के अंडर आता है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो और इसके इसमें अमेंडमेंट्स भी, इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, फाइन, ओके। नेक्स्ट, जीपीएल इज प्राइमली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू, जीपीएल क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ओके, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर कैटेगरी ऑफ पब्लिक लाइसेंसेस, कौन सी यहाँ पे पब्लिक लाइसेंस है हमारे पास जो जीपीएल है वो भी क्या है, पब्लिक लाइसेंस है, एंड सीसी क्रिएटिव कॉमन्स, राइट, ये भी क्या है, पब्लिक लाइसेंस है,
राइट तो यहाँ पे आपको पता होगा जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या करता है, आप देयर इज नो लिमिट टू कॉपिंग द कोड. आप इसके जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर आप जो सॉफ्टवेयर का कोड होता है उसको आप कॉपी कर सकते हो, ओके, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, राइट. और आप इसको इसको अगर जनरल पब्लिक लाइसेंस है तो आप सॉफ्टवेयर के कोड को कॉपी कर सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और आप उसको सेल आउट भी कर सकते हो. फाइन, राइट, ओके. अब यहाँ पे जो क्रिएटिव कॉमन्स होता है उसमें क्या होता है, आप क्या करना होता है, जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं तो आपको इसके ऑथर को भी, इसके ऑथर को एक्नॉलेज करना होता है, राइट. इसके ऑथर को आपको आइडेंटिफिकेशन देनी होती है, फाइन, कि आप ये सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो उसका ऑथर कौन है, ओके. आप इसके सोर्स कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओके, और कॉपी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ऑथर को आइडेंटिफिकेशन देना होता है, ओके, ओके. नाउ नेक्स्ट, जीपीएल स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे जो इसका आंसर था, पहले हम इसको 30 नंबर क्वेश्चन था, इसमें बोथ ऑफ द अबव आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, पब्लिक लाइसेंस है, फाइन. नाउ नेक्स्ट 31st, जीपीएल स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन ए, फाइन. देन सीसी इन रेफरेंस टू पब्लिक लाइसेंस स्टैंड्स फॉर, सीसी क्या है आपका, क्रिएटिव कॉमन्स, ओके. तो जनरल पब्लिक लाइसेंस में क्या है, सॉफ्टवेयर को आप उसके सोर्स कोड को यूज कर सकते हो, राइट, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो. क्रिएटिव कॉमन्स में क्या है, आप उसको यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे उसके रियल ऑथर्स को एक्नॉलेजमेंट देनी होगी, राइट, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, फाइन. Now, dash means unauthorized use of others trademark on products and services. तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या होता है जहाँ जब आप किसी और के trademark का use करते हो, unauthorized use करते हो. Trademark क्या है, trademark कोई भी visual symbol, word, name, design, logo, ठीक है, जो आप अपने अपने particular brand पे लगाते हो, अपने product पे लगाते हो, उसको बोलते हैं trademark. राइट, जब उसको कोई और यूज करता है, उसका अनऑथोराइज्ड यूज होता है, राइट, तो अब इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, राइट. तो ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मींस अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज देयर वर्क जनरली फॉर सम प्राइस. तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसके बीच में होता है, क्रिएटर, जिसने उस काम को बनाया है, ओरिजिनल वर्क का क्रिएटर, और वो जब दूसरे लोगों को वो यूज करने के लिए देता है, राइट, परमिट करता है, और उसके बदले में कुछ पैसे लेता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस बेसिस पे वो उसको यूज करने देगा, ओके, ऑन, तो इसको हम बोलते हैं लाइसेंस देना, राइट. अगर कोई क्रिएटर अपने वर्क के लिए लाइसेंस देता है कि आपको इसको यूज करने के लिए इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये लिमिट है, और कैसे आपको यूज करना है, जो भी ऑल ओवर जो भी उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो वो किसके अंडर आती है, लाइसेंस के अंदर आती है, फाइन. अ लाइसेंस इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क परमिटिंग समवन टू यूज देयर वर्क, राइट, जनरली फॉर सम प्राइस, ओके. नाउ डैश इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल वर्ड नेम डिजाइन स्लोगन लेबल एक्सेट्रा डेट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड फ्रॉम अदर ब्रांड्स. ये मैंने अभी बताया, ऐसा कोई भी सिंबल वर्ड नाम डिजाइन स्लोगन लोगो या लेबल जो आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, फाइन. तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं, फाइन, इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क. यूला, ई यू एल ए स्टैंड फॉर, तो इसको बोलते हैं हम ई यू एल ए, और यू कैन से यूला स्टैंड फॉर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, राइट. ये क्या है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट है, जो क्या कवर करता है, ये सारी क्लॉसेस को कवर करता है जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, जो जो उसको बाय कर रहा है यूजर, ओके, वो क्या क्या कर सकता है, हाउ मेनी कॉपीज कैन बी इंस्टॉल, वो कितनी कॉपीज सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल कर सकता है, ओके, वो सोर्स कोड को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो इस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो ये क्या होता है, ये
सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर ही आता है. फाइन, ओके. तो यूला क्या है? यूला है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है. डैश कवर्स ऑल द क्लॉसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर परचेजेस. वो एग्रीमेंट जो सारे के सारे क्लॉजेस को, सॉफ्टवेयर परचेज के क्लॉजेस को कवर करता है. हाउ मेनी कॉपीज कैन बी इंस्टॉल्ड, कितनी कॉपीज इंस्टॉल की जा सकती हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की. वेदर सोर्स इज अवेलेबल, इसका सोर्स आप के लिए अवेलेबल है या नहीं है. वेदर इट कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, क्या इसको मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है नहीं. ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आता है यूला के अंडर. ओके, यूला के अंडर मींस एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए. ओके, अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर डैश इयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड. ओके, पेटेंट क्या होता है? बेसिकली इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट का यूज किया जाता है. फाइन, तो यहाँ पे पेटेंट कितने इयर्स के लिए दिया जाता है? यहाँ पे 20 इयर्स के लिए दिया जाता है. ओके, और उसके बाद वो इन्वेंशन फ्रीली अवेलेबल कर दी जाती है. फाइन, तो यहाँ पे 20 इयर्स का पेटेंट एक पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए दिया जाता है. पेटेंट भी क्या है इसमें? ये राइट है कि जिसने वो इन्वेंशन किया है सिर्फ वही उसको यूज कर सकता है अपने मॉनेटरी गेन के लिए. फाइन, ओके, और कोई उसको नहीं यूज कर सकता. ओके, ओके, एनी वन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंटरनेट इज अ, जो लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं इंटरनेट के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डिजिटल सिटीजन भी बोलते हैं और नेटिजन भी बोलते हैं. राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द अबव. फाइन, क्योंकि उनको डिजिटल सिटीजन भी कहा जाता है और नेटिजन भी कहा जाता है. फाइन, Which of the following is a type of digital footprints? Footprints किस type का होता है, मतलब कौन कौन सा type है? तो यहाँ पे हमारा दोनों ही correct है, active digital footprints and passive digital footprints. राइट, एक्टिव क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल इंटेंशली क्रिएट करता है जो फुटप्रिंट्स, लाइक आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, ट्विटर पे पोस्ट करते हो, आप इमेजेस वीडियोस को अपलोड करते हो, ईमेल्स सेंड करते हो, फोन कॉल्स करते हो, चैट्स करते हो, वो किसके अंदर आ जाएगा? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आ जाएगा. फाइन, और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? जो आप अनइंटेंशनली करते हो, लाइक आप कोई ऐप यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो, राइट, तो वो क्या आ जाएगा? पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर है बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जो आप इंटेंशली करते हो, आप जानते हो कि आप क्या क्या कर रहे हो. पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स मीन्स जो आप अनइंटेंशली करते हो, लाइक आप कुछ चीज कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउज कर रहे हो, वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंडर आएगा. ओके, नाउ वी हैव assertion एंड रीजन questions. Assertion क्या है? एक स्टेटमेंट है. ओके, आप उसको रीजन की हेल्प से जस्टिफाई कर रहे हो कि वो करेक्ट है कि नहीं है. फाइन, नाउ assertion. Privacy of sensitive data can be implemented by authentication. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो आपका sensitive data है, crucial data है, okay, उसको आप क्या कर सकते हो? उसकी privacy किसकी help से implement कर सकते हो? आप authentication की help से उसकी privacy को implement कर सकते हो, उसको protect कर सकते हो, उसको private बना सकते हो. Right? तो authentication हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है? Authentication के अंदर ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. राइट, मतलब मान लो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक क्रूशियल डेटा है, तो सिर्फ उस डेटा को यूज करने वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास उसको एक्सेस करने के लिए राइट्स होंगे. राइट, वो ऑथेंटिकेट होंगे. जिन लोगों को उसको एक्सेस करने के राइट्स नहीं है, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते. फाइन, तो इस तरीके से हम सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेशन. तो यहाँ पे हमारा assertion ट्रू है. राइट, अब हम रीजन देखेंगे. ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्सेस टू द डेटा फॉर ऑल द यूजर्स. तो ये गलत है. ऑथेंटिकेशन में सारे यूजर्स को डेटा का एक्सेस नहीं दिया जाता, कुछ यूजर्स को ही दिया जाता है. फाइन, सबको नहीं दिया जाता. तो यहाँ पे assertion आपका करेक्ट है और रीजन आपका क्या है? रॉन्ग है. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर थ्री, मीन्स assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ओके, ओके, फ्लॉज. फ्लॉज क्या होता है? फ्री लिब्रे
एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फॉस भी बोलते हैं आप इसको, यहाँ पे एल हमने लगा दिया तो लिब्रे है, लिब्रे ऑफिस के लिए. फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स, यस ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. फाइन, एसेशन आपका ट्रू है. देन फ्लॉस सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो इसका सोर्स कोड भी आप अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. तो यहाँ पे हमारा एसेशन और रीजन दोनों ट्रू है. फाइन, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके. नाउ द एसेशन इज परमिशन गिवन टू यूज अ प्रोडक्ट बाय द कॉपीराइट होल्डर इज लाइसेंस, जो परमिशन दी जाती है कॉपीराइट होल्डर के द्वारा, जो कॉपीराइट होल्डर परमिशन देता है एक पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, उसको लाइसेंस कहा जाता है. ओके, ये करेक्ट है. जब आप लाइसेंस लेते हो तभी आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो. तो एसेशन हमारा क्या है, ट्रू है. राइट, नाउ रीजन, वन शुड नॉट यूज द कॉपीराइटेड प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग लाइसेंस, किसी को भी कॉपीराइट प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए बिना लाइसेंस लिए. ओके, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, पायरेसी हो जाती है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर पायरेसी, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पायरेसी वी हैव हियर. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. फाइन, ओके, नाउ वी हैव द असर्शन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशन. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपने खुद से क्रिएट की है, आपने अपने ब्रेन का यूज करके, आपने अपने इंटेलेक्ट का यूज करके जो प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसमें क्या आएगा, आपके इन्वेंशन आते हैं, आपका लिटरेरी वर्क आता है, आपका आर्टिस्टिक वर्क आता है, डिजाइन, सिम्बल्स, नेम्स, लोगोस, राइट. तो ये सब आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. फाइन, नाउ रीजन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट. जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो कॉपीराइट्स की हेल्प से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. फाइन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जो रीजन है वो असर्शन का को जस्टिफाई नहीं करता है यहाँ पे, मतलब उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वो बता रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और सेकंड में हम बता रहे हैं कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कॉपीराइट से. ट्रू दोनों है, असर्शन भी है ट्रू और रीजन भी ट्रू है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो हमारा करेक्ट करेंगे ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. ओके, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके, नाउ असर्शन इज द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंजमेंट. ओके, जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का को वायलेट करते हो तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फ्रिंजमेंट, राइट. जब आप किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या करते हो, उसको स्टील करते हो, राइट. तो यहाँ पे और उसको अपने नेम से प्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे IPR इन्फ्रिंजमेंट उसको कहा जाता है. फाइन, नाउ रीजन क्या है, प्लेगरिज्म इज द फॉर्म ऑफ IPR इन्फ्रिंजमेंट. तो प्लेगरिज्म क्या है, प्लेगरिज्म IPR इन्फ्रिंजमेंट इज अ टाइप ऑफ IPR इन्फ्रिंजमेंट. प्लेगरिज्म में क्या होता है, सेम आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करके उसको अपने नाम से प्रेजेंट करते हो तो उसको प्लेगरिज्म कहा जाता है. फाइन, तो यहाँ पे आपका असर्शन भी ट्रू है. फाइन, ओके, वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज कॉल्ड IPR इन्फ्रिंजमेंट, राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को का वायलेशन करना IPR इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है. और प्लेगरिज्म क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ IPR इन्फ्रिंजमेंट. मींस प्लेगरिज्म क्या में क्या होता है, आप दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टील करके अपने नाम से प्रेजेंट करते हो. फाइन, तो ये भी क्या है, IPR इन्फ्रिंजमेंट है. तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे आप, ए, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके, नाउ द असर्शन इज व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन. जब पेटेंट को दिया जाता है तो ओनर के पास ये एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो दूसरे लोगों को इससे प्रिवेंट कर सकता है, अलग कर सकता है वो, कि वो उसके जो उसने क्रिएट किया है उसको ना तो यूज कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट. तो इसको पेटेंट कहा जाता है, राइट.
ओके देखो फिर से, व्हेन अ पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट, ओनर के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है टू प्रिवेंट अदर्स, दूसरों को हटा देने का फ्रॉम यूजिंग दैट इन्वेंशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन. ठीक है, वो ना तो उसको यूज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे लोग. तो यहाँ पे हमारा assertion क्या है, यहाँ पे हमारा assertion true है. ओके रीजन क्या है, अ पेटेंट इज यूजली ग्रांटेड फॉर द inventions, और पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, inventions के लिए दिया जाता है. तो यहाँ पे assertion और रीजन दोनों true है, लेकिन जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन टू को करेक्ट करोगे. फाइन, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके तो यहाँ पे आपने assertion और रीजन दोनों को ट्रू किया है, लेकिन जो रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, नाउ द assertion इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एज योर ओन इज प्लैगियरिज्म. किसी और के वर्क को और किसी और के आइडिया को अपने नाम से प्रेजेंट करना प्लैगियरिज्म कहलाता है. फाइन, तो ये आपका assertion करेक्ट है, राइट. अब रीजन क्या है, एक्सेसिंग समवन्स इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन इज प्लैगियरिज्म. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी और के इंफॉर्मेशन को उनकी परमिशन के बिना एक्सेस करना प्लैगियरिज्म है. प्लैगियरिज्म क्या है, सिंपल एक्सेस करना नहीं है, जब आप किसी और के वर्क को एक्सेस करते हो और उसको अपने नाम से प्रेजेंट करते हो तब वो प्लैगियरिज्म होता है. फाइन, तो यहाँ पे assertion तो करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ऑप्शन सी चूज करोगे, मींस assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके ओके, assertion इज ट्रेडमार्क जनरली प्रोटेक्ट लोगोस नेम्स एंड ब्रांड्स. ट्रेडमार्क क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, आपके लोगोस को, नेम्स को, ब्रांड्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क यूज किया जाता है. फाइन, तो assertion आपका क्या है, ट्रू है. नाउ रीजन क्या है हमारा, प्लैगियरिज्म इज अनएथिकल बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट. प्लैगियरिज्म क्या होता है, अनएथिकल होता है, ओके इलीगल होता है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट, ये एक तरह की चोरी है. ओके तो आपका रीजन भी करेक्ट है, लेकिन क्या है, assertion और रीजन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. करेक्ट, दोनों assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो आप ऑप्शन बी को चूज करोगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके, नाउ द assertion इज प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डेटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई एंक्रिप्शन. आप सेंसिटिव डेटा की प्राइवेसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, एंक्रिप्शन की हेल्प से. एंक्रिप्शन की हेल्प से मीन्स आप उस जो आपका सेंसिटिव डेटा है उसको जब नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करोगे, एनकोडेड फॉर्म में, मीन्स एक स्कैम्बल्ड फॉर्म में जो कोई भी नहीं समझ सकता, और यू कैन से कोडेड फॉर्म में. फाइन, तो assertion आपका ट्रू है. नाउ रीजन, एनक्रिप्शन हाइड्स एनकोड्स द डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल डेटा. एनक्रिप्शन क्या करता है, जो एक्चुअल डेटा होता है उसकी डिटेल्स को हाइड कर देता है, एनकोड कर देता है. फाइन, तो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है. तो रीजन क्या है, assertion को जस्टिफाई करता है. तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. फाइन, ओके, assertion इज एप्पल सिंबल इन iOS सॉफ्टवेयर विल कम अंडर अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राइट. तो एप्पल का जो सिंबल होता है वो किसके अंडर आता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंडर आता है, मतलब वो एप्पल की कंपनी का ट्रेडमार्क है, उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, वो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है. फाइन, तो assertion आपका ट्रू है. ओके, अब रीजन क्या है, ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल. ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या आता है, कोई भी विजुअल सिंबल, वर्ड, मतलब कुछ भी वर्ड, नेम, कोई भी डिजाइन, स्लोगन, लेबल एक्सेट्रा. डेट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड, जो क्या करता है ब्रांड को या कमर्शियल एंटरप्राइज को एक दूसरे ब्रांड से या दूसरे कमर्शियल एंटरप्राइज से अलग करता है. फाइन, तो यहाँ पे हमारा assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो assertion को जस्टिफाई भी कर रहा है. तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. फाइन, व्हेन ई वेस्ट
सच एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स आर बर्न फॉर डिस्पोजल। जब आप ई वेस्ट को, ई वेस्ट क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेस्ट होता है, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे आपके फ़ोन, लैपटॉप्स, पेजर, रेडियोज, सीडी, डीवीडी, राइट। जब आप उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, उनको जलाते हो, तो उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, राइट। तो जो एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स में, वो क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, राइट। ओके, उनको जलाने पर कुछ हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ओके। वो क्या करते हैं, दे कॉजेस स्किन डिजीज, एलर्जीज एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लंग कैंसर, फाइन। तो वो कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो स्किन डिजीज कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं, लंग कैंसर का रिस्क रहता है जिससे, ओके। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो है बेरिलियम, राइट। जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए बर्न करते हो, जलाते हो, तो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है बेरिलियम, ओके। ओके, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क किसके अंदर आते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं, राइट। ये जो आपका कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, वो लोगों को दिया जाता है उनके इंटेलेक्चुअल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। कॉपीराइट जब मिलता है तो किसी का भी इंटेलेक्चुअल वर्क कोई दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फाइन। पेटेंट किया जाता है, पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशंस के लिए, अगर किसी ने कोई भी चीज इन्वेंट की है तो वो उस पर पेटेंट को यूज कर सकता है, दैट नो अदर पर्सन कैन यूज हिज हर इन्वेंशन, राइट। ट्रेडमार्क क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स, डिजाइंस होते हैं, फाइन, जो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है, फाइन। नो, डैश इज नॉट अ फोर्स टूल, यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फाइन। फोर्स क्या होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो आपके आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, आप उसको विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट दिए बगैर, कुछ भी पैसे दिए बगैर, आप जिसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ओके। और आप उसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डैश इज नॉट अ फोर्स टूल, कौन सा फोर्स नहीं है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ओपन सोर्स है, और पाइथन भी। पाइथन देखो आप फ्रीली डाउनलोड करते हो, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे फोर्स टूल कौन सा नहीं है, आपका गूगल क्रोम फोर्स टूल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द सर्वर एंड एनक्रिप्टिंग द डेटा, अ सॉफ्टवेयर कंपनी सर्वर इज अनएथिकली एक्सेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। किसी भी कंपनी के सर्वर को अनएथिकली एक्सेस किया जाता है, ओके, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सर्वर के अंदर जो भी डेटा है उसको एक कोडेड फॉर्म में, एक एनक्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द अटैकर ब्लैकमेल्स द कंपनी, उसके बाद अटैकर क्या करता है, कंपनी को ब्लैकमेल करता है टू पे मनी फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डेटा, राइट। ब्लैकमेल करता है अटैकर कंपनी को किस लिए, पैसे देने के लिए, टू पे द मनी, ओके, इन ऑर्डर टू गेट द डेटा। अगर कंपनी को अपना डेटा चाहिए तो इसके लिए उसको अटैकर को पे करना पड़ेगा। एंड थ्रेटन्स टू पब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और क्या थ्रेटन करता है, क्या धमकी देता है कि कंपनी की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको पब्लिक कर दिया जाएगा, अनलेस प्राइस इज पेड, जब तक प्राइस नहीं पे किया जाता, राइट। दिस काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज, इस तरीके के अटैक को क्या कहा जाता है, इस तरीके के अटैक को कहा जाता है रैंसमवेयर, राइट। रैंसमवेयर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर, राइट। एक तरीके का कंप्यूटर मालवेयर होता है जो क्या करता है, अगर किसी भी सर्वर में, किसी भी कंप्यूटर में एंटर कर जाता है तो उसकी सारी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, ओके, और उसको कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ले लेता है, राइट। तो इस तरीके के मालवेयर को, अटैकर को क्या बोलेंगे, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्यों, क्योंकि ये डेटा देने के बदले में रैंसम अमाउंट मांगता है, रैंसम मांगता है, राइट। नो, डैश इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू बिल्ड अ पब्लिकली एक्सेसिबल ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेयर अ रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड एकेडमिक वर्क इज शेयर्ड फ्रीली। तो ऐसे आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जिसका एम क्या है, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे लोगों के क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क को फ्रीली शेयर किया जा सके, राइट। इसके लिए किसी को भी पैसे ना देना पड़े, राइट। तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है आपका क्रिएटिव कॉमन्स,
ओके देखो जब आप वीडियोस डालते हो यूट्यूब वगैरह पे भी डालते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ हो एक ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे ये होता है कि आप इसको क्रिएटिव कॉमन्स में डालना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ऑप्शन में डालना चाहते हैं राइट अगर आप अपने डेटा को फ्रीली अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप उसको क्रिएटिव कॉमन्स ऑप्शन में डाल देंगे राइट तो इस तरीके से आपका डेटा क्या होगा फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा कोई भी उसको यूज़ कर सकता है डाउनलोड कर सकता है देख सकता है विदाउट पेइंग एनी अमाउंट ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है डेटा थेफ्ट डेटा चोरी करना साइबर क्राइम है ओके फॉर्जरी फॉर्जरी क्या होता है जब आप किसी के डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हो राइट किसी के लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट को मतलब रियल डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर लेते हो या किसी के बैंक के सिग्नेचर्स को कॉपी कर लेते हो ओके तो ये सब क्या होता है फॉर्जरी होता है साइबर बुलिंग क्या होता है बुलिंग करना ओके इंटरनेट पे बुलिंग करना क्या होता है साइबर बुलिंग तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो साइबर क्राइम नहीं है वो क्या है इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन ओके एंटीवायरस को इंस्टॉल करना कोई भी साइबर क्राइम नहीं है राइट नाउ व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट तो आपको बताना है ई वेस्ट का एग्जांपल तो यहाँ पे राइप एंड मैंगो नहीं है ई वेस्ट का एग्जांपल अनयूज्ड ओल्ड शूज नो एम्प्टी कोला कैंस नो तो आपका ई वेस्ट का एग्जांपल है आपका ओल्ड कंप्यूटर अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स ओके नाउ ओ इन फोर्स स्टैंड्स फॉर ओ का क्या मीनिंग है फोर्स के अंदर तो फोर स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो यहां पे ओ स्टैंड्स फॉर ओपन राइट लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज एक लीगल टर्म यूज किया जाता है राइट्स के लिए ओके किसके राइट्स के लिए क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क मतलब जिसने कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क क्रिएट किया है कोई क्रिएटिव वर्क किया है कोई आर्टिस्टिक वर्क किया है ओके उस पर्सन के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लीगल टर्म यूज किया जाता है वो लीगल टर्म है आपका कॉपी राइट ओके No, dash is the trail of data we leave behind when we visit any website or use any online application or portal to fill in data or perform any transaction. जब भी आप कोई online activity करते हो कोई भी website visit करते हो कोई online application form fill करते हो right कहीं पे भी data fill करते हो right तो वहाँ पे क्या होता है आपका एक impression रहता है okay online impression रहता है okay उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है digital फुटप्रिंट राइट नाउ एफ इन फॉर्स स्टैंड्स फॉर आपको फॉर्स की फुल फॉर्म पता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो यहां पे एफ स्टैंड्स फॉर फ्री ओके IPR stands for intellectual property rights. Okay, IPR stands for intellectual property rights. ये वो rights हैं जो एक person को दिए जाते हैं उसकी intellectual property को protect करने के लिए. Intellectual property कौन सी होती है जो उसने खुद create की है अपने intellect को use करके, right? अपनी मेहनत से जो उसने खुद बनाई है. Fine. Now next क्या है? Which of the following is not a violation of IPR? इनमें से कौन सा intellectual property right का violation नहीं है? तो हमारा first option है plagiarism. Plagiarism क्या है? Violation है. यहाँ पे आप क्या करते हो? किसी दूसरे person का intellectual work steal करके उसे खुद का दिखाते हो. Copyright infringement. Copyright infringement में क्या होता है? आप copyright को नहीं मानते हो. Okay. Copyright को violate करते हो. Trademark infringement. यहाँ पे आप trademark को copy करते हो. राइट तो वायलेशन जो नहीं है राइट वो क्या है पेटेंट राइट पेटेंट क्या है आईपीआर का ही पार्ट है ओके ये इसको वायलेट नहीं करता ये इसको फॉलो करता है फाइन नाउ नेक्स्ट डैश इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन ये एक प्रैक्टिस है जहां पे एक पर्सन क्या करता है दूसरों के वर्क को और आइडियाज को अपना खुद का बता के शो करता है फाइन तो ये आपका है प्लैगरिज्म ओके नाउ फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट चूज द ऑड वन आउट
ओके तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से ऑड कौन सा है, ये क्या है ई वेस्ट का जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, वो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑड है। तो ई वेस्ट से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है आपका, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो यहाँ पे ऑड क्या है, साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अमित डिलीटेड ऑल हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स। अमित ने क्या किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी हैं, एंड ही थिंक्स दैट हिज ट्रेसेस आर डिलीटेड कम्प्लीटली, और वो सोचता है कि अब उसका जो भी उसने किया था वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। इज ही राइट इन थिंकिंग सो, तो यहाँ पे इसका आंसर है नो, क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो सर्वर पे होता है, आप अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हो बट वहाँ पे वो रहेगा। फाइन, द लीगल एंड रेगुलेटरी आस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट रेफर टू, इंटरनेट पर जो लीगल आस्पेक्ट्स यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलता है, उनको कहा जाता है IT Act। राइट, IT Act क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और ये क्या है, इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, IT Act क्या है, एक लॉ है इंडिया के अंदर जो साइबर क्राइम से डील करता है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी लेन देन होता है पैसे का इंटरनेट के थ्रू, उसका पूरा वो ध्यान रखता है। ओके, नो, डैश इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टेक्टेड बाई ई मेल। ये एक तरीके का साइबर क्राइम है जहाँ पे टारगेट या नंबर ऑफ टारगेट्स के साथ कॉन्टेक्ट किया जाता है ईमेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, बाय समवन पोजिंग एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन। और वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट कर रहा है पर्सन, ओके, वो कैसे रिएक्ट करता है कि वो बहुत ही एक लेजिटिमेट, एक जेन्यून इंस्टीट्यूशन है टू लर्न इंडिविजुअल्स इनटू प्रोवाइडिंग सेंसिटिव डेटा। तो वो क्या करता है, उनको लालच देता है जिससे कि वो अपने लोगों को लालच देता है जिससे कि वो अपनी सेंसिटिव डेटा को प्रोवाइड करें, उनको दें एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन दे, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे या पासवर्ड्स दे। राइट, तो ये जो फ्रॉड होता है, ये जो साइबर क्राइम होता है, उसका क्या नेम होता है, उसको हम कहते हैं फिशिंग। राइट, जिसमें क्या होता है, फ्रॉड मेल्स के थ्रू, फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू लोगों को टारगेट किया जाता है। फाइन, नाउ सुहानी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। सुहानी क्या है, कुछ कंफ्यूजन में है, उसको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ओके, फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स सजेस्टेड अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके दोस्तों ने उसको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सजेस्ट किए हैं। ओके, हेल्प हर इन चूजिंग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हर डिवाइस। तो आपको बताना है इनमें से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जो आपका फर्स्ट वन है Ubuntu, राइट, दिस इज द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज द फोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ ईमेल। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके, रिगार्डिंग द यूज ऑफ ईमेल। आप फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस टू अ क्लासमेट, क्लासमेट को थ्रेटनिंग मैसेज सेंड करना, धमकी भरे मैसेज सेंड करना। ओके, इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना स्कूल क्लब एक्टिविटी के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। ओके, थर्ड इज आस्किंग योर टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क, आप अपने टीचर से हेल्प मांग सकते हो होमवर्क के लिए। एंड फोर्थ इज रिस्पोंडिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल्स। राइट, या तो स्पैम ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ओके, दूसरों को सेंड करना, या फिर आपके पास जो आए हैं उनको रिस्पोंड करना। तो आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो अप्रोप्रिएट, एक सही यूज है ईमेल का। फाइन, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 2 है और 3 सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड 3। स्टेटमेंट 2 इन्वाइटिंग फ्रेंड्स, एंड 3 यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर टीचर। फाइन, नाउ सहर्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड ही इज वेरी फ्रिक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट। ओके, सहर्स क्या है, क्लास 9 का स्टूडेंट है और वो बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट यूज करता है, इंटरनेट एप्लीकेशंस। वन डे ही गॉट एन अनप्लीजेंट मैसेज ऑन हिज इंस्टेंट मैसेंजर, एक दिन उसे एक बहुत ही अनप्लीजेंट मैसेज आता है अपने मैसेंजर पर। ओके, व्हाट डू यू थिंक ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए। राइट, इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसको इग्नोर कर दो और किसी और से बात करने लग जाओ। सेकंड क्या है, रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, उनसे बात करना, उनसे पूछना कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू आर सेंडिंग अनप्लीजेंट मैसेजेस टू मी। ओके,
The next one, shut down the computer and hope they will leave him alone in future. अपने कंप्यूटर को बंद कर देना और सोचना कि फ्यूचर में ये दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे. और द लास्ट वन, गो टू हिज पेरेंट, टीचर और अदर ट्रस्टेड अडल्ट एंड लेट देम नो डैट ही फील्स अनकम्फर्टेबल, राइट. या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं या टीचर के पास जाएं या किसी भी ट्रस्टेड एक अडल्ट पर्सन के पास जाएं और उसको इस मेल के बारे में बताएं, मैसेज के बारे में बताएं और ये बताएं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं. तो आपका जो डी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है. और कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हों तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, ओके. पेरेंट्स के पास या टीचर के पास या जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, फाइन, ओके. नाउ फिजिबल मैथड्स टू मैनेज ई वेस्ट को मैनेज करने का फिजिबल मैथड क्या है, सबसे सही तरीका क्या है. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ओके. तो ये तीनों ही मैथड एक करेक्ट मैथड हैं. ई वेस्ट को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रीयूज कर सकते हो. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स के अगर आप रीयूज कर सकते हो या उनको रिसाइकल कर सकते हो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है कि आपके ये जो तीनों मैथड्स हैं वो बहुत ही करेक्ट मैथड्स हैं. रिड्यूस, reuse and recycle, fine. Then we should exhibit proper manners and etiquettes while being online. आपको एक प्रॉपर मैनर्स दिखाने चाहिए, एटिकेट्स आपको शो करने चाहिए जब आप ऑनलाइन हो, ओके. चूज द राइट नेट एटिकेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको प्रॉपर नेट एटिकेट्स बताने हैं, राइट नेट एटिकेट्स बताने हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए व्हेन यू आर ऑनलाइन, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास है अवॉइड साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए, दिस इज करेक्ट वन. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें. नो कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना चाहिए, फाइन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ओके. यू शुड हैव टू फॉलो ऑल दीज थ्री, ओके. नाउ लिनक्स, MySQL एंड Mozilla Firefox सॉफ्टवेयर कम्स अंडर डैश कैटेगरी. तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आपके फोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके. जिनको आप विदाउट पेइंग एनी अमाउंट आप इनको इंस्टॉल कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो, इनके सोर्स कोड में भी आप चेंजेस कर सकते हो, राइट. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है एंड फॉल्स है. अ कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर ऑफ द कंटेंट, राइट. कॉपीराइट क्या होता है, आपको राइट मिल जाता है जब आप कुछ भी कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो. तो ये आपका ऑप्शन ट्रू है, ओके. इन फॉल्स, सोर्स कोड इज यूजली हिडन फ्रॉम द यूजर. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड यूज़र से हिडन होता है, मतलब उनको ये अवेलेबल नहीं होता, बट ऐसा नहीं है. फोर्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइन, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे आप उनके उन सॉफ्टवेयर्स के आप कोड को भी मॉडिफाई कर सकते हो, ओके, और रीयूज कर सकते हो. तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है, ओके. Now, how can individuals protect themselves from identity theft? लोग अपने आप को आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचा सकते हैं, ओके. शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रीली ऑन सोशल मीडिया, नहीं, आपको शेयर नहीं करनी है, ये रॉन्ग है. यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ऑल ऑनलाइन अकाउंट, सबका पासवर्ड सेम रखना, ये भी गलत बात है, ओके. श्रेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल पीसेस में श्रेड कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े कर दो. यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने हैं. एंड मॉनिटर फाइनेंशियल अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को पूरा मॉनिटर करना है, राइट. तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ओके. और जो लास्ट था आपका, नेवर चेक बैंक स्टेटमेंट्स, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है. हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट्स आपको चेक करती रहने चाहिए, ओके. नाउ विच एनवायरमेंटल इशू इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ कौन सा एनवायरमेंटल इशू बना हुआ है, जुड़ा हुआ है. ओशन एसिडिफिकेशन, नो. एयर पोल्यूशन, यस, एयर पोल्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, नॉइस पोल्यूशन नहीं होता. वाटर स्कार्सिटी, वाटर की कमी नहीं होती है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, एयर पोल्यूशन, ओके. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें से किस चीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट नहीं करता है. फर्स्ट, क्या आपका लिटरेरी वर्क इसको प्रोटेक्ट करता है. रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, फाइन. किसको प्रोटेक्ट करता है, लिटरेरी वर्क को, ट्रेडमार्क को एंड पेटेंटेड इन्वेंशंस को, ओके. तो जिसको प्रोटेक्ट नहीं करता है वो आपका क्या है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, ओके.
Now, DASH is a cyber attack method that involves sending fraudulent emails or messages to trick individuals into revealing sensitive information such as login credentials or financial data. Right? ये अभी हमने पहले भी किया था इसी टाइप का एक MCQ. डैश इज़ ए साइबर अटैक. ये एक काइंड का साइबर अटैक होता है जहाँ पे क्या होता है, आपके पास फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, ओके, फ्रॉड मैसेजेस आते हैं जो आपको क्या करते हैं, आपको लर करते हैं, आपको लालच देते हैं किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए, ओके, या आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए. फाइन, तो इस टाइप के अटैक को कहा जाता है फिशिंग. Identify FOSS from the following. इसमें से आपको FOSS सॉफ्टवेयर बताना है. MS Windows, Corel Draw, Photoshop and Linux. तो Linux आपका क्या है, आपका FOSS सॉफ्टवेयर है. Multiple choice questions of data communication. So let us start with the first question. What protects the coaxial cable from noise? Coaxial cable noise से कैसे protect करता है अपने आप को? तो जो coaxial cable की outer covering होती है वो उसको noise से protection में help करती है, right? तो इसका answer क्या होगा, outer conductor. ओके, नाउ ऑल ऑफ द पार्ट्स इन द कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग. कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, प्रोसेसर, माउस, ये एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ये एक दूसरे को कैसे सिग्नल सेंड करते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स को सेंड करते हैं. ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स आपको पता है, डिसकॉन्टिन्यूस सिग्नल्स, राइट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमली यूजेस गाइडेड मीडिया. इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया को यूज़ करता है. गाइडेड मीडिया क्या होता है, वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं. ओके, तो सेल फोन क्या है, गाइडेड मीडिया यूज़ नहीं करता, वायरलेस है. ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, लोकल टेलीफोन सिस्टम, जो वायर से अटैच्ड होता है वो गाइडेड मीडिया को यूज़ करता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, वायरलेस है. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपका वायरलेस है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज्ड एज. ट्रांसमिशन मीडिया हमारे दो टाइप्स के होते हैं, राइट. कौन कौन से होते हैं, आपके गाइडेड एंड अनगाइडेड. गाइडेड में क्या है, केबल्स का, वायर्स का यूज़ होता है. अनगाइडेड क्या होता है, आपका एयर के थ्रू, वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन मीडिया कैटेगराइज किए गए हैं टू टाइप्स में, राइट, गाइडेड एंड अनगाइडेड. ओके, अ डैश कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस. अगर दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, ओके, तो उस टाइप के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, उस टाइप के कनेक्शन को कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, राइट. रूल्स दैट गवर्न अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर, जहाँ पे इंटरनेट में डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, राइट, तो वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं. और प्रोटोकॉल्स क्या है, रूल्स हैं जो डिवाइसेस को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट. तो इसका आंसर है आपका प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स दैट गवर्न अ कम्युनिकेशन एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट. ओके, नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन. जो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आप कीबोर्ड पे डेटा टाइप करते हो, ओके, आप इनपुट देते हो कीबोर्ड की हेल्प से, राइट, वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, प्रोसेसर के पास जाता है. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा कम्युनिकेशन है, वो आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन है. कीबोर्ड से आपने टाइप किया, दिस इज़ योर कीबोर्ड, और वो डायरेक्टली प्रोसेसर के पास चला गया, राइट. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वन वे हो रहा है, फ्रॉम कीबोर्ड टू द कंप्यूटर, राइट. सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसमिशन. अब देखो टेलीविजन में क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू आपके पास आपके टीवी पे क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन आ रहे हैं, ओके. तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसा तो नहीं आप अपने टीवी से भी कुछ सैटेलाइट के पास सेंड कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है, ओके. तो ये जो कनेक्शन है, राइट, या ट्रांसमिशन है, उसको वो किस टाइप का है, सिंप्लेक्स है, जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम सैटेलाइट टू द टेलीविजन, राइट. ओके, तो ओके, नाउ इन अ डैश कनेक्शन मोर देन टू डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक. ऐसा कनेक्शन जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिवाइस सिंगल लिंक को शेयर करते हैं. मान लो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो सेंडर डेटा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है. इन द सेम वे आपका रिसीवर डेटा रिसीव भी कर रहा है, ओके, एंड सेंड भी कर रहा है, राइट. तो इस टाइप के कनेक्शन को आप क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन. मल्टी पॉइंट कनेक्शन जहां पे दो डिवाइसेस क्या करते हैं, एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं, ओके.
Now, in dash transmission, the channel capacity is shared by both communicating devices at all times. ऐसा transmission जिसके अंदर दो दो devices connected हैं एक दूसरे से, जिसके through, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको share करते हैं all the time. तो ये किस type का आपका transmission है? ये हमारा full duplex transmission है, जिसके अंदर devices data send भी करते हैं, receive भी करते हैं, okay? Both the devices share the single channel, right? Single transmission medium, okay? Now, dash is the protocol suit for the current internet, जो internet protocol use करता है, right? तो इंटरनेट का सबसे जो मेन प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP, ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, फ्रॉम वन प्लेस टू द नेदर, राइट. एंड आईपी क्या करता है, डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है जिससे कि डेटा सही डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. तो इसका मेन प्रोटोकॉल क्या है इंटरनेट का, TCP/IP. नाउ वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डन वाया, वायरलेस ट्रांसमिशन आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, रेडियो वेव वायरलेस है, माइक्रोवेव वायरलेस है, इंफ्रारेड भी आपका वायरलेस है. तो यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ द मेंशन, राइट. Now, the dash is the physical path by which a message travel from sender to the receiver. वो physical path जिसमें message travel करता है sender से receiver के पास, right? तो उसको क्या बोलोगे, उसको हम बोलते हैं transmission medium. Transmission medium के through message travel करता है from sender to the receiver. A dash is a set of devices connected by media links. एक set of devices है जिनको connect किया गया है media links, links के through, right? तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे network, ठीक है. A network is a set of devices connected by media links. Which of the following is an example of Bluetooth? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा Bluetooth का example है. तो Bluetooth क्या होता है, 10 meter की range में ये network create करता है. तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा personal area network. Bluetooth की help से हम एक छोटा सा network create कर सकते हैं within a 10 meter of distance. Which connection is necessary for a computer to join the internet? कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करने के लिए कौन सा कनेक्शन ज़रूरी होता है? तो यहाँ पे हमारे हमें चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बदले में आप कुछ चार्ज देते हैं पर्टिकुलर कंपनी को, लाइक आपका वोडा हो गया, आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सारे क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके. Which of the following allows you to connect and log in to a remote computer? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करता है रिमोट कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर से जो आपके प्लेस पे नहीं है, कहीं दूसरे प्लेस पे है, राइट. ऐसे कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर कहेंगे आप, ठीक है. तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से आप रिमोट कंप्यूटर को भी ऑपरेट कर सकते हो, उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो? तो ये है हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल, ठीक है. टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप रिमोट कंप्यूटर के कमांड लाइन इंटरफेस को एक्सेस कर सकते हो, राइट. अ डैश इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग, प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स. ऐसा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कहाँ स्टेब्लिश है, कुछ बिल्डिंग्स को मिला के बना है, ओके, या कैंपस विद इन अ कैंपस है. तो जो ये छोटा सा नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ओके. In which of the following switching method the message is divided into small packets? कौन से switching method में message को transmit करने से पहले छोटे छोटे packets में divide कर दिया जाता है? तो इसका answer है आपका packet switching. Packet switching में message को transmit करने से पहले जो complete message होता है उसको transmit करने से पहले छोटे छोटे parts में divide कर दिया जाता है, और इन parts को packet कहा जाता है. जितने भी packets होते हैं उनके ऊपर source एड्रेस होता है एज वेल एज डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड्स क्रिएट अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स? ऐसा कौन सा स्विचिंग मेथड है जहाँ पे डिवाइसेस के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है मैसेज को सेंड करने से पहले? तो ये है आपका सर्किट स्विचिंग. तो जो ये लिंक बनाया जाता है, कनेक्शन बनाया जाता है, इसको सर्किट कहा जाता है, राइट. मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट
जनरेट किया जाता है जिसे सर्किट कहा जाता है. डेट्स वाई इस स्विचिंग मेथड को सर्किट स्विचिंग कहा जाता है. ओके, चॉइस क्वेश्चंस ऑन डेटा कम्युनिकेशन. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द डिवाइस व्हिच ट्रांसलेट्स डोमेन नेम इनटू आईपी इज, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ओके, सो वो डिवाइस या वो सिस्टम जो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को इनटू आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. और डोमेन नेम क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और यू कैन से टेक्स्ट फॉर्म में होता है. राइट, तो यहाँ पे वो है हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम, विच कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम. नाउ मॉडम स्पीड्स आर मेजर्ड इनटू मॉडम, जो डिवाइस होता है राइट उसकी स्पीड किस में मेजर करते हो आप उसकी स्पीड मेजर करते हो BPS में. BPS stands for bits per second, right? तो modem की speed किस में measure होगी? Bits per second. WWW and internet are, WWW stands for World Wide Web, right? And internet are, क्या होता है ये? ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे से related होते हैं, right? Internet is what? It is the कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस. राइट, इंटरनेट में क्या है? एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बनाता है? इंटरनेट बनाता है. और जब वो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो क्या शेयर करते हैं? इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. और वो इंफॉर्मेशन क्या होता है? WWW, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब, द वेब ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. तो इंटरनेट इज लाइक अ कंटेनर. ओके, एंड दैट कंटेनर इज फिल्ड विद WWW. सो WWW and internet are related to each other. Okay, what kind of data travels through copper wires? Copper wires से किस type का data travel करता है? तो copper wire का use करते हैं हम analog data को travel करने के लिए. Right, analog data कौन सा होता है? Analog data आपका होता है this continuous data. Right, तो analog data को transfer करने के लिए copper wires का use किया जाता है. Right, now next, what allows your computer to work as an internet host? Okay, तो यहाँ पे कौन सा protocol help करता है आपके computer को बनने में internet host? Internet host क्या होता है? The device that is capable to access the network, right? वो device जो network को access कर सकता है with the help of interface, with the help of software. राइट, तो कौन सा यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट बनने में? तो वो प्रोटोकॉल है आपका TCP/IP. राइट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज द कंप्यूटर टू वर्क एज एन इंटरनेट होस्ट. राइट, Now, which protocol allows your computer to connect to the internet? कौन सा protocol आपके computer को help करता है internet से connect करने में? तो वो protocol है हमारे पास PPP और SLIP. Combination of PPP and SLIP. PPP stands for point to point protocol and SLIP stands for serial line internet protocol. Okay, so PPP जो computers होते हैं वो use करते हैं PPP to communicate over the telephone network, right? ओके, और द इंटरनेट नेटवर्क. फाइन, एंड स्लिप प्रोटोकॉल हेल्प्स टू कम्युनिकेट ओवर द सीरियल पोर्ट्स एंड राउटर्स. ओके, कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, कंप्यूटर्स नेटवर्क में किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं? माइक्रोवेव्स, डिशेस, सैटेलाइट्स, टेलीफोन लाइन्स. तो यहाँ पे इन सब का यूज होता है नेटवर्क से कनेक्शन के लिए. राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. माइक्रोवेव की हेल्प से भी, सैटेलाइट्स की हेल्प से भी आप कनेक्ट करते हो नेटवर्क के साथ, टेलीफोन लाइन्स के थ्रू भी. राइट, तो ब्रॉडबैंड लेते हो आप, टेलीफोन लाइन का यूज करते हो. राइट, अदरवाइज आप वायरलेस कनेक्शन लेते हो तो आप माइक्रोवेव का यूज करते हो. फाइन, नेक्स्ट, डैश इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब पे आप इंफॉर्मेशन को कैसे लोकेट करते हो, कैसे रिट्राइव करते हो? तो आप रिट्राइव करते हो बाई यूजिंग द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एड्रेस होता है बाई स्पेसिफाइंग द URL ऑफ वेबसाइट और वेब पेज, यू कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. राइट, नाउ नेक्स्ट, हॉटबॉट इज वेरी पॉपुलर. हॉटबॉट क्या है? हॉटबॉट है हमारा सर्च इंजन. जैसे हमारा गूगल सर्च इंजन है वैसे ही हॉटबॉट भी हमारा क्या है? सर्च इंजन. राइट,
विच प्रोटोकॉल वॉज यूज इन आर्पानेट? आर्पानेट क्या है? आपका फर्स्ट नेटवर्क, राइट? जो फर्स्ट नेटवर्क इन्वेंट हुआ था वो है आपका आर्पानेट, फाइन? तो आर्पानेट ने कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया था टू ट्रांसफर द मैसेज, टू ट्रांसफर द डेटा? तो आर्पानेट ने यूज किया था TCP/IP का यूज, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज. ओके, नाउ वी हैव मोजाइक इज एन, मोजाइक क्या है? मोजाइक है आपका ब्राउजर, और जो मोजाइक है वो फर्स्ट ब्राउजर है जिसने टेक्स्ट के साथ इमेज को डिस्प्ले कराया था, राइट? अदरवाइज क्या होता था, इमेज सेपरेट विंडो में आती थी, लेकिन मोजाइक ब्राउजर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम अलोंग विद द टेक्स्ट इट डिस्प्लेड द इमेजेस, राइट? Now, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences? Right? अगर आप data travel करना चाहते हो, transfer करना चाहते हो, तो कौन सा medium use करोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा electrical interference है, right? तो यहाँ पर हम use करेंगे optical fiber का, राइट? ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है? ग्लास से बनता है या प्लास्टिक से बनता है? ओके, एंड इन दिस केबल द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अकर्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ऑप्टिकल फाइबर में डेटा कैसे ट्रांसफर करता है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट. इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है. किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है. ओके, और इसकी स्पीड क्या होती है? दूसरे जो वायर्स होते हैं उनसे ज्यादा हाई होती है. ओके, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है. द टर्म HTTP स्टैंड फॉर, HTTP क्या है? आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ओके, विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द हाइपर टेक्स्ट ऑन द वेब. ठीक है, किसके, इसका क्या यूज होता है? हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करना. हाइपर टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है? जिसके अंदर हाइपर लिंक्स होते हैं. तो जो भी वेबसाइट्स होते हैं, ओके, वेब पेजेस होते हैं, वो उसके अंदर क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं. दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट? तो उनको जो ट्रांसफर करता है प्रोटोकॉल वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. नाउ द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट? फाइल FTP कौन सा प्रोटोकॉल है जो फाइल्स को ट्रांसफर करता है, राइट? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. FTP प्रोटोकॉल टू वे कम्युनिकेशन करता है. ये फाइल्स को अपलोड करने में भी हेल्प करता है एंड फाइल डाउनलोडिंग में भी ये हेल्प करता है, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग: ट्विस्टेड पेयर केबल्स, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट्स, रिपीटर, एनालॉग ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक. विच ऑफ द अबव इज कंसीडर्ड एज सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इन डेटा कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम है? तो यहाँ पे हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट्स भी आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं. रिपीटर एक डिवाइस है जो सिग्नल्स को क्या करता है? रिपीट करता है, रीजनरेट करता है. तो ये ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है. एनालॉग ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन में यहाँ पे बताया नहीं कौन सा एनालॉग ट्रांसमिशन, तो 4 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन 5 फाइबर ऑप्टिक्स. ओके, फाइबर ऑप्टिक क्या है? आपका वायर है, ओके, जो क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है, 1, 2, and 5. ओके, 40 aspect MCQs. So let us start with the first MCQ. Which of the following is a common method used to protect data during transmission over a network? इनमें से कौन सा method use किया जाता है data transmission में in a network, right? तो यहाँ पे आपका correct option है encryption. Encryption एक process होता है जिसमें data को, original data को coded form में convert कर दिया जाता है while data travels from one device to another in a network, okay? In order to protect the data, अगर आपका data steal हो जाता है तो वो coded form में होता है, right? वो decode नहीं हो पाएगा, right? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है एनक्रिप्शन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द इंडिपेंडेंट मलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम? ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट मलिशियस प्रोग्राम होता है जिसको होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, राइट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है वॉर्म. वॉर्म क्या है? एक ऐसा स्टैंड अलोन प्रोग्राम है जो अपनी खुद की कॉपीज बनाता रहता है, रेप्लिकेशन करता है, फाइन? और उसकी कॉपीज क्या होती है? अगर आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम्स को भी जाके करप्ट कर सकता है, ओके?
Now, which of the following malware type allow the attacker to access the administrative controls and enables his or her to do almost anything he wants to do with the infected computer? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा malware है जो अगर किसी सिस्टम पे अटैक करता है तो उस सिस्टम का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में ले लेता है और वो जो चाहे उस सिस्टम पर कर सकता है, इन्फेक्टेड कंप्यूटर पर वो जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है रेड्स, राइट। रेड स्टैंड्स फॉर रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और आप कह सकते हो रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। ये क्या करता है, इट गिव्स टोटल कंट्रोल ऑफ अ डिवाइस। इस ये जो मालवेयर है वो डिवाइस का टोटल कंट्रोल हैकर के पास पहुंचा देता है, ओके। तो हैकर जो इन्फेक्टेड डिवाइस है उस पर कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, राइट। इट कैन एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम डैट डिवाइस और इट कैन डू एनीथिंग ऑन डैट डिवाइस, ओके, रिमोटली। रिमोटली मीन्स अपने सिस्टम पे बैठ के, और जो सिस्टम अटैक किया गया है मालवेयर के थ्रू, ओके, वो चाहे किसी भी दूसरे प्लेस पर हो, जो हैकर है वो अपने प्लेस पे बैठ के उस सिस्टम को कंप्लीटली कंट्रोल करके उसका डेटा यूज़ कर सकता है, फाइन। नाउ विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डज नॉट रेप्लीकेट और क्लोन देमसेल्व्स थ्रू इन्फेक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा मालवेयर है जो अपनी रेप्लीकेशंस, अपनी कॉपीज नहीं बनाता है, ओके, और मीन्स अपना क्लोन नहीं बनाता है। तो आपका एग्जाम्पल है ट्रोजन्स, ठीक है। ट्रोजन एक तरीके का मालवेयर होता है जो वही काम किया, वही वर्क करता है जिसके लिए उसमें कोडिंग की गई है, ठीक है, जिसके लिए उसको उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, राइट। ये अपनी कॉपीज नहीं बनाते हैं, ओके। नाउ हैकर्स यूजली यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर डैश पर्पस। तो आपको बताना है हैकर्स कंप्यूटर वायरस को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है टू लॉग मॉनिटर ईच एंड एवरी यूजर स्ट्रोक, यूज़र के हर कदम को मॉनिटर करने के लिए, वॉच करने के लिए। टू गेन एक्सेस द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूजर्स आईडी एंड पासवर्ड, यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए लाइक यूज़र आईडी या पासवर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। टू करप्ट द यूजर्स डेटा, यूज़र के डेटा को करप्ट करने के लिए। स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है। तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओके। नाउ वी हैव कोड रेड इज अ टाइप ऑफ, कोड रेड क्या है, राइट। तो कोड रेड हमारा क्या है, कंप्यूटर वायरस है, ओके। कोड रेड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस डेट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन 15 जुलाई 2001, ठीक है। ये कब, सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ था, 15 जुलाई 2001 में डिस्कवर हुआ था, और इसने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को अटैक किया था, फाइन। बहुत सारे सर्वर्स को इसने अटैक किया था, ओके। इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस डेट फिल्टर्स ऑल द डेटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट अ नेटवर्क एसेट्रा, इट इज़ नॉन एज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है या हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है, जो क्या करता है, सारे डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है जो इंटरनेट से आ रहे हैं या किसी और नेटवर्क से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, इसको फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। तो आउटसाइड नेटवर्क आपका इंटरनेट भी हो सकता है और कोई दूसरा नेटवर्क भी हो सकता है, फाइन। तो यहां पे आपका एग्जाम जो ऑप्शन है वो है फायरवॉल। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। तो यहां पे हमारा क्विक हिल भी एंटीवायरस है, मैकफी भी एंटीवायरस है, आपका कैस्पर्स की भी एंटीवायरस है, तो ऑल ऑफ द अबव, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू समवन एल्स। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है, जो यूज़र की एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है और यूज़र की सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इसको नेटवर्क के थ्रू किसी और के पास सेंड कर देता है, राइट। तो ये क्या होता है आपका, स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर एज अ स्पाई काम करता है, एज अ जासूस काम करता है। ये आपकी हर एक्टिविटी को नोट करता है, आपके हर आपने वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन योर सिस्टम, ये सब कुछ गैदर करके, सारा डेटा गैदर करके जिसके थ्रू ये स्पाईवेयर आपके सिस्टम पे डाला गया है, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये डेटा पहुँचाता रहता है, ओके। नाउ व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी क्या प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स, राइट। इंटरनेट से जो सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ओके, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके। तो इसको क्या कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी, राइट।
Now, which of the following is defined as an attempt to steal, spy, damage or destroy computer system networks or their associated information? तो कौन से इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका डेटा स्टील किया जा रहा है, आपका डेटा स्पाई किया जा रहा है, आपके सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उसकी नेटवर्क्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील किया जा रहा है, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइबर अटैक. ओके. Governments hired some highly skilled hackers for providing cyber security for the country or the state. Government भी क्या करती है, कुछ highly skilled hackers को appoint करती है. ओके. कंट्री की जो websites हैं, कंट्री का जो network है उसको protect करने के लिए. These types of hackers are termed as. ओके. तो इन हैकर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स. ओके. जहाँ पे कंट्री या एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए इन हैकर्स को स्पॉन्सर किया जाता है, इनको पैसे देकर इनसे काम किया जाता है. राइट. They are nefarious hackers and their main motive is to gain financial profit by doing cyber crimes. ये बहुत ही immoral hackers होते हैं और इनका main motive होता है financial profit लेना cyber crime करके. ठीक है. Who are they referred to here? तो यहाँ पे इनका किस टर्म से इनको बुलाया जाता है, तो ये है ब्लैक हैट हैकर्स. राइट. ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, ये दूसरे यूजर्स, जो भी यूजर्स हैं या नेटवर्क हैं उनको हार्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोनिट्री गेंस. राइट. Now, what is the existence of weakness in a system or network is known as. किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में जो वीकनेस होती है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वल्नरेबिलिटी. ठीक है. ये टर्म यूज़ किया जाता है टू शो द वीकनेस इन अ सिस्टम. ओके. और इन अ नेटवर्क. Which of the following is an internet scam done by cyber criminals? इनमें से कौन सा internet scam है जिसे cyber criminals करते हैं, where the user is convinced digitally to provide confidential information. जहाँ पे user को convince किया जाता है कि वो खुद से अपनी confidential information दे दे, तो ये होता है phishing के through. Phishing में क्या होता है, आपके पास emails आएंगे जो आपको legitimate लगेंगे, बिल्कुल genuine लगेंगे और वो आपसे आपकी information मांगेंगे. अगर कोई इसमें फंस जाता है, information दे देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका सिस्टम हैक हो जाता है. ओके. चॉइस क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स. Let us start with the first question. Which one of the following can be considered as the class of computer traits? इनमें से कौन सा option computer trait consider होता है? First we have DOS attack. DOS stands for denial of service attack. इस attack में क्या होता है? Computer system completely hack हो जाता है and the computer system denies to provide its services. आप computer की कोई भी service को use नहीं कर सकते हो, right? तो ये क्या है? Computer trait है. तो आपका option one correct है. बाकी options भी देख लेते हैं. फिशिंग, फिशिंग क्या होता है, जब आपके पास फ्रॉड मेल्स आते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिनके अंदर फ्रॉड लिंक्स होते हैं, अगर आप उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, आपका क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आपका क्रूशियल डेटा लॉस्ट हो जाता है. राइट. नाउ वी हैव सॉलिसिटिंग. सॉलिसिटिंग क्या होता है, इट अलाउज क्रिमिनल्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा एंड मनी बाय इंपर्सोनेटिंग अ कोवर्कर. तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क में आपके पास क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम अ कोवर्कर. राइट. बट वो आपका कोवर्कर नहीं होता है, वो क्या होता है, हैकर होता है. राइट. एंड दैट हैकर स्टील्स योर क्रूशियल इंफॉर्मेशन. ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल. राइट. तो आपके पास अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स, मतलब जो बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, ओके, अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो स्पैम. राइट. स्पैम क्या होते हैं, बल्क में ईमेल्स होते हैं. राइट. ओके. कमर्शियल पर्पस के लिए ये ईमेल्स क्या होते हैं, दे आर सेंड टू द नंबर ऑफ द पीपल. राइट. और इनको क्या कहा जाता है, स्पैम. Now, which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all information in the background and send it to someone else? ऐसा कौन सा आपका वायरस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है, आपकी सारी की जितनी भी आप एक्टिविटी इंटरनेट पे करते हो उसको ऑब्जर्व करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रहकर गैदर करता है, कलेक्ट करता है और आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन किसी और को सेंड कर देता है. राइट. तो ये होता है आपका स्पाईवेयर. राइट. स्पाईवेयर क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू एंटर द टारगेट डिवाइस. राइट. क्या होता है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो टारगेटेड डिवाइस होती है, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर ये चला जाता है और
बैकग्राउंड में रह के उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या होता है, थर्ड पार्टी के पास पहुंचा देता है, राइट। Which one of the following is a type of antivirus program? Antivirus क्या होता है? वो programs होते हैं जो virus को क्या करते हैं, आपके system में आने से रोकते हैं, right? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ option है, Quick Heal, McAfee, Kaspersky, तो ये सारे के सारे क्या है, antivirus program है, तो यहाँ पे आपका option 4 correct है, all of the above, right? Now it can be a software program or a hardware device that filters all data packets coming through the internet. तो यहाँ पे किसकी बात करें, या तो वो software program होगा या फिर वो hardware device की form में होगा जो क्या करता है, सारे data को filter करता है आप जो internet के through आपके system में आ रहा है। ओके, अ नेटवर्क एसेक्टर इट इज नोन एज, तो ये क्या है हमारे पास, फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, अगर आपने फायरवॉल एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है या एज अ हार्डवेयर उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो आपके इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क, राइट। तो अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो फिल्टर होके आएंगी, राइट। वो जितनी भी छोटी से छोटी चीज को चेक करने के बाद इंटरनल नेटवर्क के पास सेंड करता है, फाइन। In system hacking, which of the following is the most crucial activity? जब system hack किया जाता है कोई भी system, तो सबसे जो important activity होती है वो क्या होती है, तो जो सबसे important activity होती है वो होती है cracking passwords. तो जितने भी passwords होते हैं उनको crack करके information को steal करना, right? Which one of the following is actually considered as the first computer virus? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कंसीडर होता है, जिसको फर्स्ट कंप्यूटर वायरस माना जाता है, तो वो है क्रीपर, राइट। क्रीपर क्या है, एक प्रोग्राम है वो जो अपने आप को रेप्लीकेट करता है, राइट, एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लीकेट करता है, खुद की कॉपीज बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, राइट। इट इज क्रिएटेड बाय बॉब थॉमस इन अर्ली 1971। इसको किसने इन्वेंट किया था, बॉब थॉमस ने इन्वेंट किया था एज एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके। और किस तरह के इसको इन्वेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इसको इन्वेंट किया था, बट इट बिकेम अ वायरस, ओके। Which one of the following is also referred to as malicious software? Malicious software किसको कहा जाता है, malware को कहा जाता है, right? Malware क्या है, collective term है, okay? जो किसके लिए use होती है, all kinds of viruses, worms, trojans, okay? And harmful programs. उन सबको हम क्या collectively क्या बोलते हैं, malware, right? Now, in the computer networks, the encryption techniques are primarily used for improving the कंप्यूटर नेटवर्क में आप एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करते हो। एनक्रिप्शन टेक्निक्स का मतलब आप डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में नेटवर्क के थ्रू क्या करते हो, सेंड करते हो, राइट, जिससे वो स्टील हो तो वो डिटेक्ट ना हो पाए कि क्या डेटा है, राइट। तो ये किस लिए किया जाता है, ये सिक्योरिटी पर्पज से किया जाता है, राइट। Which of the following is considered as the world's first antivirus program? तो वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है, रीपर है, जो किसको डिटेक्ट करता है, क्रीपर को, जो वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है, वायरस है, राइट। और उसको डिटेक्ट करने के लिए जो एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया वो क्या था, रीपर, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्रीपर की कॉपीज को डिटेक्ट कर सकता था, डिलीट कर सकता था, राइट। तो रीपर क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर्स टाइप अलाउ द अटैकर टू अटैक द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड इनेबल हिज और हर टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग ही वांट्स टू डू विद द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ऐसा कौन सा मालवेयर है जो क्या करता है, अटैकर को अलाउ करता है कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हैक कर ले, अपने अंडर ले ले, ओके, और सिस्टम के साथ जो करना चाहे, जैसे करना चाहे वो वैसे कर सके। तो इसका आंसर है आपका रेड्स। रेड्स स्टैंड फॉर रिमोट एक्सेस ट्रोजन और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, राइट। वो क्या करता है, इट कैन कंट्रोल एनीथिंग, ओके, और इट कैन डू एनीथिंग ऑन द टारगेट डिवाइस रिमोटली, राइट। आप रिमोटली मींस कहीं दूर से बैठ के आपने एक सिस्टम को हैक कर लिया, उसके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैकर के हाथ में आ गया है, तो वो क्या करेगा, वहां बैठे बैठे सिस्टम, अगर वो बहुत दूर है, आउटसाइड कंट्री है, वहां बैठे बैठे भी वो सिस्टम में जो करना चाहे वो कर सकता है, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है रेड्स, इसको बोलेंगे रिमोट एक्सेस ट्रोजन और यू कैन से रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, राइट। नाउ
Which of the following is the type of independent malicious program that never required any host program? ऐसा कौन सा malicious program है जिसको host program की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी और program के साथ attach होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो program होता है worm. Worm कैसा virus है जो अपनी खुद की copies बनाता रहता है और जितनी भी memory होती है system में उसको occupy कर लेता है, right? System को पूरा completely break down कर देता है, right? तो यहाँ पे worm क्या है? Independent malicious program है, right? Which works, which makes its own copies, right? In order to ensure the security of the data or information, we need to dash the data. अगर हमें अपने data की security के लिए आप क्या करोगे? आप data को करोगे encrypt, right? Encrypt क्या होता है? Encrypt is a type of method in which the plain text is converted into cipher text. जहाँ पे plain text को किसमें convert कर दिया जाता है? Cipher text. Cipher text means coded form में, okay? And only the authorized user can decrypt it back to the plain text by using the right key. और decrypt क्या होता है? उसको again convert कर देना plain text में, right? तो यहाँ पे data security के लिए data को किसमें convert कर दिया जाता है? Encrypt form में convert कर दिया जाता है, जिसे हम cipher text भी बोलते हैं, okay? Which of the following known as the oldest phone hacking techniques used by the hackers to make free calls? तो यहाँ पे phone hacking technique कौन सी है जिसका hackers use करते थे free calls करने के लिए? वो है हमारे पास phreaking, right? उसको बोलते हैं हम phreaking. Which of the following tracks your data and activities then pop up some advertisement? तो यहाँ पे वो कौन सा आप वायरस होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? आपकी डेटा और एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, उसके बेसिस पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो होता है एडवेयर, राइट?